प्राचीन काल से किसने कभी असली कुनपेन के अंडे को पालतू बनाया था? ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था। यहाँ तक देवताओं को भी कुनपेन के सामने पीछे हटना पड़ा। यह अफवाह थी कि एक कुनपेन ने एक भगवान को मार डाला था। यह कोई मिथक नहीं था। यहाँ तक कई प्राचीन परिवारों और सेनाओं की प्राचीन किताबों में भी इस तरह के रिकॉर्ड मौजूद थे। उनके पूर्वजों ने इसे अपनी आंखों से देखा था। यह कोई किंवदंती नहीं थी। इससे यह देखा जा सकता है कि कुनपेन कितना भयानक था। यदि वह कुनपेन को वश में कर सकता है तो यह भविष्य में एक भयानक सहायक होगा। आम लोग इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। कुछ लोग एक वयस्क कुनपेन के पास जाने की हिम्मत करेंगे, लेकिन अब ऐसा अवसर ठीक उसके सामने था। उसके पास यह सोचने का समय नहीं था कि कुनपेन के अंडे खुसेने और उसे वयस्कता तक ले जाने में कितना समय, ऊर्जा और लागत लगेगी, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय, ऊर्जा और लागत इसके लायक होगी। भले ही इसे ये परिवार को सौंप दिया गया हो, भले ही उन्हें अपना सारा भाग्य खर्च करना पड़े, फिर भी ये परिवार एक कुनपेन को पालना पसंद करेगा। ये क्षिवेन को नहीं पता था कि कुनपेन को वश में करने का कोई तरीका है या नहीं। एक वयस्क कुनपेन को वश में करने का निश्चित रूप से कोई तरीका नहीं था। वह इतना भी मजबूत नहीं था कि कुनपेन द्वारा काटा जा सके। लेकिन इस तरह का अंडा अभी पैदा नहीं हुआ था, इसलिए मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा उसके पास अभी भी ये मोह, एक पुराना शैतान था। वह कई वर्षों तक जीवित रहे थे और उनके पास विशाल ज्ञान था। उसके पास एक रास्ता होना चाहिए। यह सोचकर येक्षिवेन थोड़ा शांत हो गया और उसने चारों ओर देखा। वह चुपके से हैरान हुए बिना नहीं रह सका। इस कुनपेन के पास वास्तव में कुछ तरकीबें थीं। इसने 99 बड़े ड्रैगन शिराओं पर कब्जा कर लिया था और उन्हें 9 ड्रैगन्स फेसिंग द हेवंस ग्रेट अरे में डाल दिया था। सारा भाग्य और लिंग की इस कुनपेन के अंडे में उड़ेल दिए गए। पवित्र शक्त, उसने किस तरह का जीव उठाया? जैसा कि कहा जाता है, केवल एक आत्मा वाली जगह ही उत्कृष्ट लोगों को पैदा कर सकती है। लिंग की जितनी अधिक प्रचुर मात्रा में होगी, उत्कृष्ट लोगों का उत्पादन करना उतना ही आसान था और प्रतिभाशाली लोगों का उत्पादन करना उतना ही आसान था। यह आध्यात्मिक शिरा न केवल साधना के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर सकती थी, बल्कि यह कुछ ऐसा भी प्रदान कर सकती थी जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता था। यह भाग्य था। इस चीज को छुआ या देखा नहीं जा सकता था, लेकिन इसके अस्तित्व और इसके महत्व के बारे में सभी जानते थे। हालांकि भाग्य के सिद्धांत ने व्यवहारिक रूप से किंवदंतियों को छुआ था, जो नियति का सबसे गुप्त था। इस प्रकार कई लोगों ने इसके बारे में कुछ भी पता लगाने की कोशिश में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। हालांकि यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया था कि आत्मा की नसें एक संप्रदाय को बढ़ने दे सकती हैं। न केवल वे अपने शिष्यों को साधना के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेंगे, बल्कि वे तथाकथित ड्रैगन वेन नामक अभूतपूर्व सौभाग्य भी लाएंगे। इनमें से केवल एक ड्रैगन नस पहले से ही अविश्वसनीय थी। यदि यह एक बड़े पैमाने की ड्रैगन नस होती तो केवल एक ढीली कल्टीवेटर संप्रदाय की नींव बनाने के लिए पर्याप्त होती। इस वजह से सैकड़ों हजारों लोगों के साथ एक संप्रदाय का उदय होगा। इसी तरह एक बार जब ड्रैगन की नस बूढ़ी हो गई या मर भी गई, तो संप्रदाय निश्चित रूप से एक दुर्दशा में पड़ जाएगा, जब तक कि वे एक और ड्रैगन की नस नहीं खोज लेते। अंत में उनका सर्वनाश भी हो सकता है। ढीले काश्तकारों के पास आमतौर पर केवल एक ड्रैगन वेन होता था, जो बहुत अस्थिर था। सफलता ड्रैगन वेन के कारण हो सकती है, लेकिन असफलता ड्रैगन वेन के कारण भी हो सकती है। ड्रैगन वेन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर केवल एक ही होता तो यह संप्रदाय को विनाश के संकट में डाल सकता था। केवल उन महान कुलों के पास ड्रैगन रेजिंग तकनीक थी। उन्होंने ड्रैगन की नसों को ऊपर उठाया और ड्रैगन की नसों को ऊपर उठाने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक क्यूई निकाली। यह ड्रैगन रेजिंग तकनीक थी। ऐसा करने से ही ड्रैगन की नसें लंबे समय तक जीवित रह सकी। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि ड्रैगन की नसों पर लगातार कब्जा किया जा रहा था, ये क्लान कोई अपवाद नहीं था। हालांकि इन ड्रैगन वेन्स का इस्तेमाल एक संप्रदाय के खिलाफ किया गया था। साधारण अद्वितीय प्रतिभाओं को कुछ समय के लिए खेती करने के लिए संप्रदाय के ड्रैगन वेन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। न केवल ड्रैगन की नस सबसे घनी लिंग की वाली जगह थी, बल्कि इसने कबीले के भाग्य को भी आगे बढ़ाया। किसी व्यक्ति के लिए भाग्य की भूमिका स्वाभाविक रूप से कहने की जरूरत नहीं थी। महान भाग्य वाले लोगों के लिए, भले ही वे लापरवाही से सोते हों, हो सकता है कि आकाश से जादू के खजाने उनकी बाहों में गिर रहे हों ताकि वे अपने स्वामी के रूप में पहचान सकें। हालांकि किस्मत एक ऐसी चीज थी जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता था, लेकिन यह मौजूद थी। एक बार जब एक जीनियस ने ड्रैगन वेन में प्रवेश किया और लक का एक हिस्सा ले लिया, तो ड्रैगन वेन का लक थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए जब तक कि कोई अद्वितीय प्रतिभाशाली न हो या उसने बल के लिए महान योगदान न दिया हो, उनके लिए ड्रैगन वेन के भाग्य को प्राप्त करने का मौका मिलना असंभव था। लेकिन अब इस जगह पर वास्तव में 99 ड्रैगन वेन्स थे जो इस कुनपेन का समर्थन कर रहे थे। यहाँ तक अगर एक छोटी सी ड्रैगन की नस थी तो यह नश्वर दुनिया में सैकड़ों वर्षों तक एक राजवंश का समर्थन करने के लिए पर्याप्त थी।
इतने बड़े ड्रैगन की नस इतने लंबे समय के पैटर्न का उल्लेख नहीं करना, यह कल्पना करना कठिन था कि किस तरह का राक्षस उठाया जाएगा। दूसरी ओर हर कोई इस तरह के भाग्य को झेलने की क्षमता रखने के योग्य नहीं था। सामान्य प्राणी, भले ही वह येजीवन ही क्यों न हो, लंबे समय तक भाग्य का सामना नहीं कर पाएगा। इसके बजाय वे किस्मत से खा जाएंगे और दुखद रूप से मर जाएंगे। यह सोचकर येजीवन मुंह में लार निगले बिना न रह सकी। कुनपेंग, मुझे उस बूढ़े कुनपेंग की आभा क्यों महसूस होती है? इस समय अचानक ये मुंह की आवाज सुनाई दी। उसका फिगर अचानक त्यान युवान मिरर से बाहर निकल आया। इस समय उनकी आकृति अभी भी पारभासी अवस्था में थी। वह पिछली चोट से उबर नहीं पाया था, इसलिए अब भी ये मुंह ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी समय गायब हो सकता है। रिकवरी में तेजी लाने के लिए वह काफी देर तक सोता भी रहा। साधारण चीजें उसे बिल्कुल नहीं जगा सकती थी, और इस बाधा में यह कुनपेंग अंडा ही था जिसने अचानक उसे उसकी लंबी नींद से जगा दिया। कुनपेंग अंडा, मेरे भगवान, ये जीवन, तुम मुसीबत में पड़ गए, तुम बड़ी मुसीबत में पड़ गए, तुमने वास्तव में कुनपेंग के घोंसले में घुसने की हिम्मत की, हे भगवान। ये मोह श्राप दिए बिना नहीं रह सका। उसके सामने बैरियर के पीछे कुनपेंग अंडे को देखकर वह उसे घूरे बिना नहीं रह सका। ये क्षिवेन मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन बेबसी से उसे इस मामले के बारे में बता रही थी। मैं सोच रहा था कि तुम कुनपेंग के घोंसले में कैसे घुस सकते हो, तो यह मामला है। ये मोह मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन कहते थे उस जीव दानव राजा ने एक अच्छा समय चुना। कुनपेंग की यह पीढ़ी पहले से ही बूढ़ी है। आप नहीं जानते होंगे कि कुनपेंग कैसे पुनरुत्पादन करते हैं। उनका सबसे सरल तरीका यह है कि जब उन्हें लगता है कि वे बूढ़े हो गए हैं, तो वे अपने शरीर में सारा सार इकट्ठा कर लेंगे केवल एक अंडा छोड़कर, और यह अंडा एक नए कुनपेंग में विकसित होगा। हालांकि अंडे को जन्म देने वाला कुनपेंग न केवल पुराना है, बल्कि उसके शरीर का अधिकांश सार इस अंडे में प्रवेश कर चुका है, इसलिए इसे अभूतपूर्व रूप से कमजोर कहा जा सकता है। अन्यथा भले ही यह जीव यंग दानव राजा स्वर्ग के दायरे में होता, वह निश्चित रूप से इस कुनपेंग के लिए एक मैच नहीं होता। मतलब यह अंडा कुनपेंग के पूरे शरीर का सार है। यह सुनकर ये क्षिवेन की आंखों में चमक आ गई। अगर वह इस अंडे को निगल सकता तो उसकी खेती जरूर आसमान छूती। यह मजाक नहीं होगा। आप भगवान के उपहार को बर्बाद कर रहे हैं, आप भगवान के उपहार को बर्बाद कर रहे हैं। ये मुंह यह कहने से खुद को रोक नहीं सके। कुनपेंग कबीले में ड्रैगन कबीले, फीनिक्स कबीले और किलिन कबीले की तुलना में कम सदस्य हैं। यहाँ तक उनके स्वर्ण युग में भी उनमें से 10 भी नहीं हो सकते हैं। आप वास्तव में उन्हें खा जाना चाहते हैं। यह एक स्वर्गीय खजाने की बर्बादी है। भले ही आपकी खेती थोड़े समय में ऊंची हो जाएगी, यह बर्बादी होगी। यह एक अभूतपूर्व अवसर है। यदि आप इस कुनपेंग अंडे को वश में कर सकते हैं, तो आपके पास एक अभूतपूर्व पालतू लड़ाकू होगा। भेड़िया शावक इस कुनपेंग की तुलना में कुछ भी नहीं है। ये मुंह यह कहने से खुद को रोक नहीं सके। कुनपेंग कबीले में ड्रैगन कबीले, फीनिक्स कबीले और किलिन कबीले की तुलना में कम सदस्य हैं। जब ये जीवन ने भेड़िये के शावक का जिक्र किया तो वह निराश हुए बिना न रह सका। उसने लंबे समय से वुल्फ शावक के बारे में नहीं सुना था, लेकिन वुल्फ शावक के चरित्र के साथ अगर यह सामने आया तो यह बहुत ही आकर्षक, बहुत आकर्षक होना चाहिए, और इसके बारे में सुनने में उसे देर नहीं लगनी चाहिए। एक कहावत है कि दुनिया में प्रसिद्ध होना भी अपनी सुरक्षा की सूचना देने का एक तरीका है। ये जीवन ने अतीत में केवल अपने पुराने दोस्तों के बीच लिया को पाया था, लेकिन उनका अभी भी उनके साथ अधिक संपर्क नहीं था। जहां तक शावक और हुआ मेघान की बात है, तब भी उनकी कोई खबर नहीं थी। ये जीवन के पास और कोई रास्ता नहीं था। जब वह दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा तो यह उसकी सुरक्षा की सूचना देने का सबसे अच्छा तरीका होगा, और साथ ही उसे खोजने के लिए यह उनके लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शक भी होगा। यह एक प्रसिद्ध पालतू जानवर है जो देवताओं को चुनौती दे सकता है। TSTS, आप अमीर हैं, बिल्कुल अमीर हैं। यहाँ तक मेरे मालिक भी कुनपेंग को अतीत में एक पालतू जानवर के रूप में नहीं पकड़ सकते थे, ये मुंह ने कहा। उसकी आंखें पहले से ही चमक रही थी और उसकी लार लगभग नीचे बह रही थी। यह कल्पना की जा सकती है कि यह कुनपेंग कितना आकर्षक था, उसके जैसे एक पुराने दानव को इतना हिलाओ। मैं तुम्हें जानवरों को वश में करने की तकनीक सिखाऊंगा। एक कुनपेंग का उल्लेख नहीं करना जो अभी भी एक अंडा है, जब तक आपके पास पर्याप्त ताकत है। यहाँ तक एक वयस्क 9 पंजे वाले दिव्य ड्रैगन या 7 रंगीन फीनिक्स को भी आपके आध्यात्मिक जानवर के रूप में पकड़ा जा सकता है, ये मुंह ने तुरंत कहा। ये जीवन का मुंह फट गया। 9 पंजों वाला डिवाइन ड्रैगन, 7 रंगों वाला फीनिक्स, ये दिव्य जानवर लोगों को सिर्फ उनका नाम सुनकर डरा सकते हैं, लेकिन ये मुंह के मुंह में वे केवल आध्यात्मिक जानवर हो सकते हैं। ये मुंह ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने एक हाथ की सील पर चुटकी ली और एक शिवेन के दिमाग में शक्ति तकनीक का एक सेट डाला। ये जीवन का रंग अचानक जानलेवा पीला पड़ गया। उसका शरीर पहले से ही पारभासी था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण गायब हो जाएगा। ये मुंह, क्या तुम ठीक हो? ये जीवन ने चिंतित होकर कहा। ये मुंह वह था जिसके बारे में वह सबसे ज्यादा चिंतित था। अगर ये मुंह इस वजह से बाहर आ गया, भले ही उसने एक कुनपेंग पकड़ा हो, उसकी राय में यह इसके लायक नहीं था।
मैं ठीक हूँ, यह थोड़ी खपत से ज्यादा कुछ नहीं है। जल्दी करो और कुछ और मांस पकड़ो, मुझे अब ठीक होने की जरूरत है, खासकर दानव कबीले से। जितना ज्यादा उतना अच्छा, अगर कोई दिव्य अस्तित्व है तो यह सबसे अच्छा होगा, येमो ने कहा। उसके बाद वह सीधे येजिवेन के सामने गायब हो गया, एक सपने देखने वाले में बदल गया और त्यानुवान मिरम में लौट आया, भले ही येजिवेन ऐसा कर सके या नहीं। एक आकाशीय बीइंग रियल दानव कबीला, येजिवेन ने इस वाक्य को बुदबुदाया, लेकिन उसकी आंखें उच्च मंच पर कुनपेंग अंडे को देख रही थी और उसकी आंखें अभूतपूर्व रूप से दृढ़ थी। स्वर्ग क्षेत्र, चाहे वह किसी भी जाति का हो, एक अतुलनीय शक्तिशाली अस्तित्व था। बाहरी लोगों के लिए इस नाम का उल्लेख ही उन्हें भय से कांपने के लिए पर्याप्त था, लेकिन ये मुंह के लिए यह खाद की तरह था और केवल खाद। ये क्षिवेन को नहीं लगा कि इसमें कुछ गलत था। जब तक येमो को इसकी आवश्यकता थी, वह एक दानव देवता को मारने का साहस भी कर सकता था, आकाशीय क्षेत्र के दानव की तो बात ही छोड़ दें। तुरंत येजिवेन ने संकोच नहीं किया, उसके हाथ में असंख्य तलवार का प्रभामंडल एक लंबी तलवार में संघनित होने लगा, खुश शून्य पागलपन से विकृत होने लगा। फिर एक तलवार आभा बह गई, कबूम, एक तेज गर्जना के साथ प्रतिबंध पागलों की तरह कांपने लगा, कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा लीक हो गई। हंगामा इतना तेज था कि पूरी गुफा हिलने लगी। येजिवेन की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसकी भौहें तनी हुई थीं। बाहर के हंगामे ने शायद बाहर उन लोगों का ध्यान खींच लिया था, वह केवल एक कदम आगे था और अब उसे डर था कि वे सब आ जाएंगे, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसके पास प्रतिबंध तोड़ने का मौका नहीं होता। बूम बूम बूम, तेज गर्जना की एक श्रृंखला के साथ पूरा प्रतिबंध पागलपन से हिल गया, दरारें बड़ी और बड़ी होती गईं और भीतर से आध्यात्मिक ऊर्जा का रिसाव होने लगा, समुद्र का पानी भी उल्टा हो गया। गर्जन, धीरे धीरे अजगर और बाघ की दहाड़ सुनाई दी, कबूम, अंत में एक जोरदार गर्जना के साथ पूरा प्रतिबंध अचानक फट गया। गर्जन, एक अजगर और एक बाघ की मूल रूप से बेहोश दहाड़ तुरंत एक चौंकाने वाली दहाड़ में बदल गई, 99 ड्रैगन नसें तुरंत 99 दिव्य ड्रैगन में बदल गईं। एक ही पल में वे सहम गए और येजिवेन को बहुत ही मैत्रीपूर्ण नजरों से देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि क्योंकि येजिवेन प्रतिबंध तोड़ सकती है, 99 ड्रैगन विंस तुरंत ड्रैगन में बदल गए। येजिवेन हैरान नहीं थी, कुनपेंग के पास अपने अंडे अपने घोंसले में रखने की कोई तैयारी कैसे नहीं हो सकती थी। 99 ड्रैगन शिराओं द्वारा गठित दिव्य ड्रैगन तुरंत ऊपर उठ गए, उसके पीछे हंगामा और तेज हो गया। येजिवेन केवल एक पल के लिए झिझकी, 99 दिव्य ड्रैगन को देखते हुए वह तुरंत एक कोने में कूद गया और छिप गया। पलक झपकते ही लोगों का एक समूह दौड़ पड़ा, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति 9 सिर वाले शिशु दानव राजा का तीसरा राजकुमार था, उसके पीछे कई दर्जन संभ्रांत फैंग सोल्जर्स थे जो सभी आकाशीय क्षेत्र के शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्होंने सभी प्रमुख बिंदुओं पर कब्जा कर लिया और उनके पीछे दिव्य क्षेत्र के कई दर्जन शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। उनमें से लगभग सभी विशेषज्ञ थे जिन्होंने 9 सिरों वाले शिशु जनजाति की नाकाबंदी को सफलतापूर्वक तोड़ दिया था। हालांकि वे फैंग सोल्जर्स की तरह संभ्रांत नहीं थे और एकजुट थे, 9 सिर वाले शिशु जनजाति के विशेषज्ञ सभी का पीछा नहीं कर सकते थे। लगभग तुरंत ही उन्होंने कुनपेंग अंडे को देखा जो 99 दिव्य ड्रैगन द्वारा संरक्षित था। लगभग तुरंत उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। इस कुनपेंग अंडे ने उन सभी को लगभग पागल कर दिया था। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि कुनपेंग कितना शक्तिशाली था और वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि कुनपेंग का अंडा कितना महत्वपूर्ण था। यदि उनके पास कुनपेंग अंडा हो सकता है और कुनपेंग को बढ़ा सकते हैं, तो भले ही उन्होंने कुछ नहीं किया हो, फिर भी वे दानव भूमि में ग्रेट डेमन किंग्स के साथ बराबरी पर खड़े हो सकेंगे। वे ग्रेट डेमन किंग्स से भी ऊपर हो सकते हैं। जो लोग दानव भूमि से नहीं थे, उनके लिए कुनपेंग के प्रति उनकी कट्टरता को समझना मुश्किल होगा, क्योंकि वे पूरे वर्ष कुनपेंग के पूर्ण दमन के अधीन रहे थे। हर बार जब कुनपेंग भोजन के लिए चारे के लिए बाहर जाते थे, तो दानव राजाओं के बीच बड़ी संख्या में लोग मारे जाते थे। कभी कभी कुनपेंग को रोकने के लिए दानव राजा भी चिंतित हो जाते थे। पूरे इतिहास में कुनपेंग के पेट में दानव राजाओं के दुखद रूप से मरने के मामले सामने आए हैं। शक्तिशाली होने के कारण वे डरते थे, लेकिन इस वक्त सारा डर लालच में बदल गया। यहाँ तक 9 सिरों वाले शिशु दानव राजा का तीसरा राजकुमार भी कोई अपवाद नहीं था। इस समय उसकी शैतानी आंखों में केवल कुनपेंग अंडा बचा था। कुनपेंग अंडा, हे भगवान, क्या मैं चीजें देख रहा हूँ। कुनपेंग अंडा, हाहा, मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। कुनपेंग, जब तक मैं कुनपेंग उठाता हूँ, मैं किसी भी दानव राजा की परवाह नहीं करूंगा। कुनपेंग, मेरा। इस समय कई लोग अचानक थोड़े पागल हो गए और पागलपन की स्थिति में आ गए। हुश, हर कोई उन्माद में कुनपेंग अंडे की ओर दौड़ा। धिक्कार है, मेरे रास्ते से हट जाओ। सबसे पहले दौड़ने वाला दानव राजा का तीसरा राजकुमार था। उसके हाथ में लंबा भाला तुरंत निकल गया।
यह 9 सिरों वाले शिशु दानव राजा के लंबे भाले के समान ही था, लेकिन शक्ति के मामले में यह दानव राजा के तीसरे राजकुमार से कमतर लग रहा था। एक पल में वह पहले ही भाग चुका था और सीधे अपने भले से एक दिव्य अजगर को मार डाला था, लेकिन वह अधिक दिव्य ड्रैगन द्वारा लक्षित था। 99 दैवीय ड्रैगन दिव्य क्षेत्र के 99 विशेषज्ञों की तरह थे। हालांकि ये दिव्य ड्रैगन ड्रैगन वेन्स से बने थे और उनमें कोई चेतना नहीं थी, वे और भी भयानक थे क्योंकि ऐसा लगता था कि उन्हें मैट्रिक्स द्वारा मारने के इरादे से इंजेक्ट किया गया था। एक मुक्का और एक पंजा आकाश को नष्ट कर सकता था। आकाशीय क्षेत्र के इतने सारे विशेषज्ञों के एक साथ एकत्रित होने से दिव्य क्षेत्र का एक विशेषज्ञ भी इस मैट्रिक्स को थोड़े समय में तोड़ने में सक्षम नहीं होगा, और कुनपेन के लौटने के लिए यह समय काफी था। सारा दृश्य अस्त व्यस्त हो गया था। 200 से अधिक आकृतियां शून्य में लड़ रही थीं और वे सभी आकाशीय क्षेत्र में थीं। बूम बूम बूम, हर तरफ पागलों की दहाड़ थी। 99 दैवीय ड्रैगन ने कुनपेन के अंडे को बिना किसी मामूली अंतर के ऊपर और नीचे मजबूती से संरक्षित किया। 9 सिरों वाले शिशु दानव राजा का तीसरा राजकुमार कई बार भागना चाहता था, लेकिन ड्रैगन वेन्स द्वारा गठित दिव्य ड्रैगन द्वारा उसे वापस मजबूर कर दिया गया था। ये दैत्य योद्धा कितने भी निडर क्यों न हो, फिर भी वे मृत्यु से डरते होंगे। हालांकि इन दैवीय ड्रैगन के पास मरने का विचार बिल्कुल नहीं था। मैट्रिक्स की सक्रियता के तहत उन्होंने केवल सभी हमलावर दुश्मनों को मार डाला। ऐसी आत्माओं के सामने जो यह नहीं जानती थी कि मृत्यु क्या है, यहां तक कि दानव राजा के बहादुर कुलीन सैनिक भी नहीं टूट सकते। इन लोगों ने शायद पहले दानव राजा से लड़ने के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन अब वे इतनी परवाह नहीं कर सकते थे। कुनपेंग, जो कोई भी कुनपेंग प्राप्त कर सकता था, भले ही उन्हें भविष्य में दानव राजा को चुनौती देनी पड़े, डरने की कोई बात नहीं थी। तो क्या हुआ अगर यह दानव राजा था? दानव राजा का भी कुनपेंग से कोई मुकाबला नहीं था। इस समय ऐसा लगता है कि हर कोई पागल हो गया है। वे बेहद बहादुर थे और उन्होंने 99 दिव्य ड्रैगन की रक्षा पंक्ति पर पागलपन से हमला किया। ड्रैगन वेन्स द्वारा गठित दिव्य ड्रैगन को लगातार मौके पर ही उड़ा दिया गया। हालांकि ड्रैगन वेन्स द्वारा गठित ये दिव्य ड्रैगन मौके पर ही उड़ा दिए जाने के बाद जल्दी से सुधर गए क्योंकि वे बेजान थे। बूम बूम बूम, धिक्कार है, इसका कोई अंत नहीं है। इस समय दानव राजा का तीसरा राजकुमार दहाड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। उसने अभी अभी एक दिव्य अजगर को अपने भाले से मार डाला था, लेकिन दिव्य अजगर को सुधरने में देर नहीं लगी। इन 99 दिव्य ड्रैगन का गठन 99 ड्रैगन वेन्स द्वारा किया गया था। जब तक ड्रैगन वेन्स के साथ कोई समस्या नहीं थी, भले ही ये 99 दिव्य ड्रैगन सभी नष्ट हो गए हों, वे थोड़ी देर में पुनः उत्पन्न करने में सक्षम होंगे। मानो उनका कोई अंत ही नहीं था। मेरे लिए एक रास्ता खोलो। इस समय दानव राजा का तीसरा राजकुमार सीधे भाग गया। इस समय उससे तेज कुछ आकृतियां थीं जो सीधे तौर पर कुछ दिव्य ड्रैगन को मार रही थीं। हालांकि इन आंकड़ों को कुछ रहस्यमयी ड्रैगन द्वारा जल्दी से रोक दिया गया था। हालांकि कुछ और आंकड़ों को आगे बढ़ने में देर नहीं लगी। वे एक के बाद एक आगे बढ़ते रहे और कुछ दूरी तक आगे बढ़ते रहे। लहर के बाद लहर, एक के बाद एक, वे बाहर निकले और एक रास्ता खोला। ये दांत सैनिक 9 सिर वाले यंग दानव राजा की कमान के तहत सबसे कुलीन रक्षक थे और सबसे वफादार भी। भले ही 9 सिरों वाले यंग दानव राजा का तीसरा राजकुमार उन्हें मरना चाहता हो, वे कभी भी अपनी भौहें नहीं चढ़ाएंगे। इस समय यह देखते हुए कि 9 सिरों वाले यंग दानव राजा का तीसरा राजकुमार कुनपेंग अंडे को छूने वाला था, हर कोई चिंतित हो गया, लेकिन वे कुनपेंग के अंडे को तीसरे राजकुमार के हाथों में गिरते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। 9 सिरों वाला यंग दानव राजा। अचानक शून्य में दूर से एक आकृति उड़ी। उन्होंने उस समय का फायदा उठाया जब दैवीय ड्रैगन को टूथ सोल्जर्स के प्रवेश के लिए एक रास्ता खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक बड़ा हाथ सीधे शून्य से प्रकट हुआ, सीधे कुनपेंग अंडे को पकड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 9 सिरों वाले यंग दानव राजा का तीसरा राजकुमार अचानक उभरा हो गया। जब कुनपेंग का अंडा उसके हाथ में आने वाला था, तभी किसी ने वास्तव में उसे बाघ के मुंह से छीनने की हिम्मत की। बूम, 9 सिरों वाले यंग दानव राजा के तीसरे राजकुमार के हाथ का लंबा भाला तुरंत चुभ गया। शून्य में भयानक वास्तविक जीवन शक्ति एक विशाल 9 सिर वाले यंग में बदल गई, जिसमें 9 विशाल सिर थे। उन्होंने अपने खूनी मुंह खोले और सीधे आकृति की ओर थोड़ा सा स्वोश। जब 9 सिरों वाला विशाल यंग उस आकृति को काटने ही वाला था कि वह आकृति अचानक हमले से बचते हुए एक बड़ा कदम आगे बढ़ गई। ये जीवेन ने तुरंत एक चाल चली, सीधे कुनपेंग अंडे को अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया। जिस क्षण उसका हाथ कुनपेंग अंडे को छूता है, कुनपेंग अंडे पर हवा का कानून और पानी का कानून सीधे तावीज लंबी तलवारों में बदल जाता है जो ये जिवेन की ओर फिसलती है। ओह, कितनी तकलीफ दे, तू जिवेन जोर से चिल्लाया। पानी के कानून और हवा के कानून द्वारा बनाई गई तावीज लंबी तलवारों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। कुनपेंग अपने आप में पानी के कानून और हवा के कानून से बना एक क्रूर प्राणी था जो बेहद भयानक था। टकराना,
हवा के नियम द्वारा बनाई गई तावीज लंबी तलवारों को हथियाने और नष्ट करने के बाद कुनपेन का अंडा भी आसानी से येजिवेन के हाथों में गिर गया। येक्षिवेन ने बिना किसी झिझक के तुरंत उसे तियानयुवान मिरम में फेंक दिया, फिर मुड़कर मौके पर भाग गई। लानत है, धिक्कार है, धिक्कार है। नौ सिरों वाला यंग दानव राजा का तीसरा राजकुमार तुरंत गुस्से में दहाड़ता हुआ सीधे येजिवेन का पीछा करने लगा। पीछा करो, मुझे उसे मार डालना चाहिए, बिना कब्रगाह के मर जाना चाहिए। नौ सिरों वाले यंग दानव राजा के तीसरे राजकुमार ने सीधे येजिवेन की दिशा में पीछा किया। एलीटूत सिपाहियों ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया दी येजिवेन के निर्देश का पीछा करते हुए। अन्य दानव कुलों ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक के बाद एक बाहर निकल गए। येजिवेन की आकृति तुरंत गायब हो गई। उसके पीछे तीसरा राजकुमार गुस्से से दहाड़ा। कुनपेन का अंडा जो उसे मिलने वाला था उसे कोई और ले गया। बच्चे, कुनपेन अंडा दे दो, नहीं तो तुम आज बच नहीं पाओगे। तीसरा राजकुमार दहाड़ा। कुनपेन अंडा दे दो, आपको कुनपेन अंडा देना होगा या आप भाग नहीं पाएंगे। बूम बूम बूम, भयानक हमलों की एक श्रृंखला सीधे येक्षिवेन के पीछे फट गई। जब भी येजिवेन की आकृति शून्य में दिखाई देती, भयानक हमलों की एक श्रृंखला सीधे उस पर बरसती। येजिवेन की पीठ पर दानव पंख फैल गए और लगातार फड़फड़ाते रहे। उसकी जरा भी रुकने की हिम्मत नहीं हुई। जो लोग नौ शिशुओं के कबीले की नाकाबंदी को तोड़ सकते थे वे सभी स्वर्ग क्षेत्र के सातवें स्तर से ऊपर के विशेषज्ञ थे। उनमें से एक भी साधारण नहीं था। उल्लेख नहीं है, उनके बीच स्वर्ग क्षेत्र के आठवें और नौवें स्तर के विशेषज्ञ भी छिपे हुए थे। ये सभी विशेषज्ञ थे जिनसे येक्षिवेन अब नहीं निपट सकती थी। वह रुक भी नहीं सकता था। उसके पीछे अनगिनत विशाल हाथ बेतरतीब ढंग से उड़ गए, प्रत्येक अत्यंत भयानक। एक बार जब वह रुक गया तो वह मौके पर ही पकड़ा जा सकता है। एक बार जब वह रुक गया तो एक क्रोधित दानव विशेषज्ञ उसे पकड़ लेंगे और वह उसका अंत होगा। उनका फिगर बेहद तेज था। लगभग एक पल में वह पहले ही गुफा के प्रवेश द्वार पर छलांग लगा चुका था। इस गुफा को अनगिनत वर्षों से कुनपेन द्वारा प्रबलित किया गया था और जगह पहले से ही बहुत मजबूत थी। इसे तोड़ा जा सकता था लेकिन खालीपन को सीधे चीरकर यहां से भागना बिल्कुल असंभव था। इसलिए दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शून्य से बच नहीं सकते थे। इस मामले में इसने येजिवेन को एक छोटे से क्षेत्र में घूमने का बेहतर अवसर दिया। उनके बिजली के पंखों को सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। हूश, जब उसकी आकृति फिर से टिमटिमाई तो वह पहले से ही गुफा के प्रवेश द्वार पर था। हालांकि जैसे ही वह गुफा के द्वार पर प्रकट हुआ उसने एक भयानक प्राणी को देखा जो उसके सामने एक विशाल काले बादल की तरह दिखाई दे रहा था। वह ठंडी हवा की सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे यकीन था कि वह गलत नहीं था। यह एक अतुलनीय विशाल मछली थी। हालांकि मछली के शरीर पर एक बहुत बड़ा घाव था जो हजारों मीटर लंबा था। उसमें से खून निकल रहा था। कुनपेंग, येजिवेन ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। पवित्र शक्ति, यह बड़ा आदमी निश्चित रूप से कुनपेंग है। जब कुनपेंग पानी छोड़ता है तो वह ग्रेट पेंग होता है, लेकिन जब यह पानी में होता है तो यह कुन नामक एक विशाल गहरे समुद्री जानवर में बदल जाएगा। अभी अभी अंदर की लड़ाई बहुत तीव्र थी और उसने ध्यान नहीं दिया कि कुनपेंग पहले ही वापस आ चुका था। वह अपने और नौ सिर वाले सांप के सिर वाले दानव राजा के बीच लड़ाई का परिणाम नहीं जानता था। आखिरकार यह कुनपेंग गंभीर रूप से घायल लग रहा था। हालांकि यह देखते हुए कि नौ सिर वाले सांप सिर वाले दानव राजा ने उसका पीछा नहीं किया, भले ही कुनपेंग नहीं जीते उन्हें बहुत कुछ नहीं खोना चाहिए था। लेकिन इस समय चाहे वह जीते या हारे यह कुछ ऐसा नहीं था जिसका वह अनुमान लगा सकते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत गुफा के प्रवेश द्वार के नीचे ठंडे कुंड में कूद गया। बूम, यह ऐसा था जैसे उसने सबसे कठिन पर्वत चट्टान में छेद कर दिया हो। यह ठंडा जल कुंड विशेष रूप से ठंडा था और इसका घनत्व आश्चर्यजनक था। इससे पहले कि वह उसमें डूबा था उसने पूरे ठंडे पानी के पूल में एक बड़ा छेद कर दिया। उसी समय क्रुद्ध कुनपेंग को यह प्रतीत हुआ कि उसने जो प्रतिबंध लगाया था उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसके विशाल शरीर ने सीधे गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया और दानव कबीले के शक्तिशाली आंकड़े जिन्होंने इसका पीछा किया था कुनपेंग द्वारा तुरंत अवरुद्ध कर दिया गया था। गर्जन, कुनपेंग की क्रोधित दहाड़ गूंज उठी और तुरंत इन डाकुओं पर एक भयानक नरसंहार करना शुरू कर दिया जो इसके घर में घुस गए थे। और जो ठंडे पानी के कुंड में रुके थे उन्होंने भी लिखना समाप्त कर दिया और हिलने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया। एक बार जब उन्होंने कुनपेंग का ध्यान आकर्षित किया तो वे समाप्त हो जाएंगे। जिसके बारे में बोलते हुए हो सकता है कि वे वही हों जिन्हें कुनपेंग सबसे ज्यादा मारना चाहते थे, क्योंकि कुनपेंग का अंडा उसके हाथ में था। यदि उसे कुनपेंग द्वारा खोजा गया था तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा यदि उसे इस भयानक जानवर ने घेर लिया और रोक दिया। उसके ऊपर कुनपेंग हत्या की होड़ में था। आकाशीय क्षेत्र के नौवें स्वर्ग के कई विशेषज्ञ अपने गहन कौशल पर भरोसा करते हुए सीधे बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन वे सभी कुनपेंग की पूंछ से बह गए।
उनके शरीर को मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और कुनपेंग ने खा लिया। चीख पुकार मच गई। ये जिवेन खुद को थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन इस समय वह दूसरों की परवाह नहीं कर सकता था। जैसे ही उन्होंने उत्तरी अंडरवर्ल्ड के ठंडे पानी में डुबकी लगाई, उन्हें भयानक ठंडक महसूस हुई। इसने उसके अंगों को लगभग पूरी तरह से जम दिया। यहाँ तक उसका खून भी ऐसा लग रहा था जैसे वह जमने वाला हो। इस तरह की ठंडी हवा सीधे उसके अस्थि मज्जा की गहराई में प्रवेश कर गई, लेकिन वह इसका विरोध करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि एक बार जब उसने इसका विरोध करने की कोशिश की तो जो आभा उठेगी वह उस कुनपेंग का ध्यान आकर्षित कर सकती है, और उस मामले में भले ही वह बचना चाहता हो, यह होगा संभव। दुष्कर, कठिन, असाध्य और इस समय दूरी में पांच तत्वों के आन युवान मानचित्र को उसके द्वारा बुलाया गया था। जल तत्व का हिस्सा नीली रोशनी के निशान के साथ खिल गया, उसमें ये जिवेन को लपेट लिया। यह उत्तरी अंडरवर्ल्ड के ठंडे पानी की ठंडक को सबसे बड़ी हद तक रोक सकता है। इस मामले में ये जिवेन जबरन विरोध करने के लिए केवल अपने अत्याचारी शरीर पर भरोसा कर सकता था। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होते तो वे इस समय बहुत पहले मौत के घाट उतर जाते। दूसरे शब्दों में केवल ये जिवेन ही अब तक कायम रह सकती थी। एक और पूरे घंटे के बाद ऊपर कुनपेंग की गुफा में हत्या अंत में समाप्त हो गई। इसे लाशों का मैदान कहा जा सकता है। चाहे वह दिव्य क्षेत्र के सातवें या नौवें स्तर के विशेषज्ञ हो, सभी की मृत्यु दुखद रूप से हुई। चाहे वह दुष्ट दानव कबीला हो या जियुइंग कबीले के विशेषज्ञ, जियुइंग दानव राजा के तीसरे राजकुमार सहित वे सभी मौके पर ही मर गए। उनकी हड्डियां भी नहीं बची थीं। उन सभी को कुनपेंग ने खा लिया और कुछ भी नहीं छोड़ा। कुनपेंग, जिसे उसके अंडे नहीं मिले, पागल हो गया। इसकी गहन मार्शल शक्ति एक पल में फट गई, हलकों में हिल गई। अंतरिक्ष पूरी तरह से ढह गया और 1000 मील के दायरे में सब कुछ रह गया। भयानक शक्ति भी उत्तरी अंडरवर्ल्ड के ठंडे पानी में घुस गई। हालांकि यह उत्तरी अंडरवर्ल्ड के ठंडे पानी में अंतरिक्ष को पूरी तरह से चकनाचूर नहीं कर सका, भयानक शक्ति ने पूरी झील की सतह को बेतहाशा हिला दिया। ये जिवेन इतना उदास था कि वह खून की उल्टी करना चाहता था। मूल रूप से वह जमकर मरने वाला था, लेकिन फिर भी उसे कुनपेंग की शक्ति से बार बार धोना पड़ता था। पलक झपकते ही 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन कुनपेंग, जो अपने अंडे खो चुकी थी, अभी भी डैक और आक्रोश में रो रही थी। भयानक उतार चढ़ाव के कारण ये जिवेन का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। ये जिवेन के पास कुनपेंग को परेशान किए बिना जितना संभव हो सके खुद को ठीक करने के लिए फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उसका पूरा व्यक्तित्व भी सुषुप्तावस्था की गहरी अवस्था में गिर गया। हालांकि वह अपने शरीर में क्यूई को स्थानांतरित करने के लिए नहीं जुटा सका, फिर भी वह मार्शल आर्ट कटौती करने के लिए रहस्यमय स्थान का उपयोग कर सकता था। 1 साल का समय पलक झपकते ही बीत गया। इस साल के समय में ये जिवेन की महत्वपूर्ण विशेषताएं नीचे तक गिर गई थीं। उसने केवल आवश्यक शारीरिक क्रियाओं को बनाए रखा। उसका पूरा व्यक्तित्व एक मृत व्यक्ति की तरह लग रहा था, और अतीत में उबलता हुआ क्यूई और रक्त अब नहीं था। पूरे 1 साल तक ये कुनपेंग पागलों की तरह दहाड़ता रहा। 1 साल तक गरजने के बाद इस कुनपेंग ने अपने दिल में गुस्से का इजहार किया और समुद्र से बाहर निकलना शुरू कर दिया। एक महान पेंग में बदल गया और भोजन की तलाश में दानव भूमि में उड़ गया। कुनपेंग यह चला गया। लंबे समय के बाद ये जिवेन ने अपनी आंखें खोली और उनकी आवाज थोड़ी सूखी थी, जैसे कि उन्होंने अनगिनत सदियों से बात नहीं की हो। वह मार्शल आर्ट क्षेत्र की समझ में डूबे हुए थे। कितना समय बीत गया उसे पता ही नहीं चला। अगर उसे यह आभास नहीं होता कि कुनपेंग की शक्तिशाली आभा चली गई है, तो वह शायद ऐसे ही सोता रहता। जब तक कुनपेंग नहीं गए, वे नहीं उठे। यहाँ तक कुछ समय के लिए वह थोड़ा हताश था कि कुनपेंग फिर कभी नहीं जा सकता, या भोजन की तलाश में जाने से पहले कुछ दशकों तक आराम करना संभव था, और यह बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं था। कुनपेंग के जीवनकाल के साथ जो सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहा, कुछ वर्ष, कुछ दशक सामान्य लोगों के लिए 1 या 2 दिनों से अधिक कुछ नहीं था। आखिरकार छोड़ दिया। ये जिवेन राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सकी। इस कुनपेंग ने उस पर बहुत अधिक दबाव डाला, और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी वह बराबरी कर सके। उनकी युद्ध शक्ति के निरंतर संचालन से शरीर, जो मृत्यु के कगार पर लग रहा था, धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने लगा और रक्त फिर से बढ़ने लगा। एक क्षण में ही अत्यंत उदास अवस्था से वह अचानक चरम अवस्था में आ गया। इसके अलावा वह वहां नहीं रुका। इसके बजाय वह ऊंचे और ऊंचे चढ़ता गया। हालांकि वह पूरे 1 साल तक नहीं चला, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने कुछ नहीं किया। इसके बजाय वह स्वर्गीय ताओ को समझने में डूबा हुआ था। पिछले 1 साल में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करने से उसे स्वर्ग के मार्ग की अपनी समझ में बड़ी प्रगति करने की अनुमति मिली थी, और अब वह पिछले वर्ष में अपनी समझ के परिणामों को ताकत में बदलने जा रहा था। एक ही बार में स्वर्ग के 5वें स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता था। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि इसमें अभी भी कुछ समय लगेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस समय के दौरान
उनकी साधना पूरी तरह से स्वर्ग क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी। इस वर्ष स्वर्ग के मार्ग की अपनी गंभीर समझ के अलावा उसने कुल 5 स्पिरिट क्रिस्टल खनिज शिराएं खर्च की थी। एक साल पहले की तुलना में स्वर्ग के मार्ग के बारे में उसकी समझ नाटकीय रूप से बदल गई थी। अगर यह उस कुनपेन की वजह से नहीं होता तो वह पहले ही सेंध लगाने की कोशिश कर चुका होता। हालांकि सभी पहलू तैयार थे, फिर भी तोड़ने की पूरी प्रक्रिया अभी भी एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी। संचय के विपरीत, संचय को विभिन्न तरीकों से बलपूर्वक त्वरित किया जा सकता था, लेकिन इसके माध्यम से तोड़ना अवसर के बारे में था। जो छूट रहा था वह अवसर था। इस तरह येजीवेन ने पूरे 10 दिनों तक पूल के तल पर अभ्यास किया। बूम, अंत में येजीवेन की आभा अब स्थिर नहीं थी, लेकिन एक सांस में वह स्वर्ग के दायरे के 5वें स्तर तक पहुंच गया। स्वर्ग के दायरे के 5वें स्तर को पार करने के बाद येजीवेन की आभा एक बार फिर कई गुना बढ़ गई। वह हिल नहीं रहा था और उसका शरीर एक तरह के पुनर्जन्म से गुजर रहा था। येजीवेन पूरे 1 महीने के लिए ठीक हो गए और अंत में अपने दायरे को मजबूत करते हुए अपनी आभा को स्थिर कर लिया। इस महीने में अपने दायरे को मजबूत करने के अलावा येजीवेन ने आखिरकार 5 तत्वों के आन युआन आरेख के जल तत्व को पूरा किया। इस साल 5 एलिमेंट्स की आन युआन डायग्राम ने ही पर्याप्त उत्तरी गहरे ठंडे पानी को अवशोषित कर लिया था, लेकिन येजीवेन ने कुनपेन का ध्यान आकर्षित करने के डर से इसे परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं की। उत्तरी गहरे ठंडे पानी के साथ 5 तत्वों की आन युआन आरेख के जल तत्व को जल्दी से परिष्कृत किया गया था। 5 तत्वों की आन युआन आरेख को परिष्कृत करने के बाद येजीवेन ने लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से उत्तरी अंडरवर्ल्ड सागर छोड़ दिया। इस समय उन्होंने उत्तरी अंडरवर्ल्ड सागर के परिवेश को देखा। यह पहले से ही एक उजाड़ दृश्य था। वे शहर जो मूल रूप से काफी जीवंत थे, वे सभी बंद हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़ी ताकत वाले ने उन्हें तोड़ दिया हो। पूरा शहर सुनसान था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी को चूसा गया हो। येजीवेन समझ गई कि कुनपेंग आया होगा और कहर बरपाएगा। वह नहीं रुका और तुरंत मानव कबीले के क्षेत्र की दिशा में चल पड़ा। जैसे ही वह उत्तरी अंडरवर्ल्ड से दानव कबीले के क्षेत्र में गया, कुनपेन के बारे में अधिक से अधिक अफवाहें सामने आईं। यह पता चला कि इस अवधि के दौरान कुनपेन अपना अंडा खोने के बाद पागल हो गया था। यह उत्तरी अंडरवर्ल्ड सागर के सभी शहरों में बह गया। कुनपेन के पेट में लाखों दानव कबीले के सदस्य दुखद रूप से मर गए। हालांकि कुनपेन समय समय पर भोजन की तलाश में निकलते थे, फिर भी उन्हें पता था कि संयम क्या होता है। इसके अलावा वह पूरे दानव कबीले को नाराज नहीं करना चाहता था, अन्यथा कुनपेंग दानव कबीले का प्रकोप सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन अब कुनपेंग अपना अंडा खोने के बाद पागल हो गया था। यह उत्तरी अंडरवर्ल्ड सागर के सभी शहरों में बह गया और सभी तरह से दानव कबीले की गहराई तक चला गया। वह जहां से भी गुजरा वहां मानव निवास का कोई निशान नहीं था। चाहे वह राक्षसी जानवर हो या दानव कबीले के सदस्य, वे सभी मिटा दिए गए थे। अक्सर दानव कबीले के सदस्यों की जनजातियों को सीधे मिटा दिया जाता था। इतने शक्तिशाली कुनपेंग के सामने सामान्य दानव कबीले के सदस्यों का कोई मुकाबला नहीं था। इस कुनपेंग की अंतिम दिशा 9 सिरों वाले भयंकर जानवर कबीले का क्षेत्र था। धीरे धीरे 9 सिरों वाले भयंकर जानवर राजा द्वारा कुनपेंग को घेरने की बात सामने आई। हर कोई यह भी जानता था कि कुनपेंग 9 सिरों वाले भयंकर जानवर कबीले की ओर जा रहा था। दूसरों को बस फंसाया गया था। उस लड़ाई में जियुइंग दानव राजा को कुनपेंग के हाथों कुछ नुकसान हुआ था। अंत में उन्हें पीछे हटना पड़ा। हालांकि कुनपेंग ने इस अवधि के दौरान कुनपेंग का अंडा खो दिया, इसलिए वह पागल हो रहा था। कुनपेंग किस प्रकार का पात्र था? बहुत समय पहले से उनकी जाति पहले से ही दानव क्षेत्र के अद्वितीय अधिपतियों में से एक थी। भले ही उनके पास एक दानव मास्टर के रूप में पहले कुनपेंग की महिमा नहीं थी, वे निश्चित रूप से दानव क्षेत्र में सबसे भयानक और अद्वितीय अधिपति थे जिन्हें उकसाया नहीं जा सकता था। यहां तक 9 सिर वाले शिशु दानव राजा के रूप में साहसी और महत्वाकांक्षी किसी ने भी कुनपेंग को घेरने और मारने की हिम्मत तब की जब वह बूढ़ा हो गया था और उसने अपने अंडे दे दिए थे। फिर भी यह अभी भी कुनपेंग को मारने में असफल रहा। इससे कोई भी देख सकता था कि कुनपेंग कितना भयानक था। हालांकि कुनपेंग की लगातार हत्या ने कई छिपे हुए दानव राजा स्तर के विशेषज्ञों को भी आकर्षित किया। इसके अलावा 9 सिर वाले शिशु दानव राजा और 9 सिर वाले भयंकर जानवर कबीले के कई छिपे हुए दानव राजा स्तर के विशेषज्ञ कुनपेंग को घेरने के लिए सेना में शामिल हो गए। किसने सोचा होगा कि कुनपेंग उतना सरल नहीं था जितना लगता था। इसने वास्तव में दानव भूमि में दुर्लभ रूप से देखे गए कुछ राक्षसी जानवरों का ध्यान आकर्षित किया था। कुनपेंग ने भी काफी विशेषज्ञों को इकट्ठा किया था। दोनों पक्षों ने 9 सिरों वाले भयंकर जानवर जनजाति के क्षेत्र में एक पृथ्वी टूटने वाली लड़ाई शुरू कर दी थी। लड़ाई ने आकाश और पृथ्वी को तोड़ दिया था और सूर्य और चंद्रमा ने अपना प्रकाश खो दिया था। अंत में कुनपेंग के पक्ष में कम लोग थे और केवल पीछे हट सकते थे। मुख्य बल के रूप में क्रोधित कुनपेंग गंभीर रूप से घायल हो गए और शून्य में भाग गए।
कुछ लोगों ने देखा कि कुनपेंग उत्तरी अंडरवर्ल्ड सागर में भी नहीं लौटे। इसके बजाय वह शून्य में भाग गया। ऐसा लगता था कि वह यह भी जानता था कि अगर वह उत्तरी अंडरवर्ल्ड सागर में लौट आया तो नौ सिर वाले शिशु दानव राजा को उसे खोजने में देर नहीं लगेगी। उस समय यदि वह जाना भी चाहे तो बहुत देर हो चुकी होगी। दानव क्षेत्र के लिए इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप भारी जनहानि भी हुई। नौ सिरों वाला भयंकर जानवर कबीला, जो कभी शीर्ष 10 दानव राजाओं में से एक था, नए राजा के विद्रोह और कुनपेंग के विद्रोह का अनुभव करने के बाद अपने आधे से अधिक विशेषज्ञों को खो दिया। इसकी रैंकिंग जल्दी से ऊपर से नीचे गिर गई। यह नहीं कहा जा सकता था कि यह कोई भारी नुकसान नहीं था। नौ सिरों वाले भयंकर जानवर कबीले के अलावा कई अन्य दानव कुलों को भी कुनपेंग ने तबाह कर दिया था। कई कबीले भी गायब हो गए। इस लड़ाई के बाद हालांकि दानव कबीले को गंभीर रूप से घायल नहीं कहा जा सकता था, उनके पास अल्पावधि में बाहरी दुनिया पर ध्यान देने का समय नहीं होगा। इन सब का कारण यह था कि येजीवेन ने कुनपेंग का अंडा ले लिया था। अंत में यह इस राक्षसी आपदा का कारण बना। हालांकि येक्षिवेन को इसका कोई अफसोस नहीं था। वास्तव में यह मानव जाति के लिए अच्छी बात थी। वर्तमान में मानव कबीले की आधी से अधिक सेना दानव कबीले द्वारा नियंत्रित की जा रही थी। यदि इस समय अन्य कुलों ने अचानक हमला किया तो यह निश्चित रूप से मानव कबीले के लिए एक आपदा होगी। यह असंभव नहीं था। वे हमला शुरू करने से पहले मानव कबीले और दानव कबीले को नुकसान उठाना भी चुन सकते हैं। कम से कम अभी के लिए दानव कबीले का यह विचार नहीं होगा। अल्पावधि में दानव कबीले के पास अन्य चीजों की परवाह करने का समय नहीं होगा। कुनपेंग के कारण पहले से ही अराजक दानव क्षेत्र और भी अराजक हो गया। इसके अलावा इतने सारे दानव राजा स्तर के विशेषज्ञों के प्रभाव के कारण एक के बाद एक कई समावेशी दानव कबीले कुलपति प्रकट हुए। एक पल के लिए दानव क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मूल रूप से 10 दानव राजा दुनिया में व्यवस्था स्थापित करने के लिए सेना में शामिल हुए, लेकिन अब इसके ढहने का खतरा था। ठीक इसी वजह से दानव कबीले के पास अन्य चीजों की परवाह करने का समय नहीं था। हालांकि इससे येक्षिवेन को जाने में भी काफी परेशानी हुई। यह भी कहा जा सकता है कि वह छोड़ने में लगभग असमर्थ था। तरह तरह की लड़ाइयां चलती रहीं। हालांकि येजीवेन की ताकत उस समय की तुलना में कहीं अधिक अत्याचारी थी, जब उसने पहली बार एक साल से अधिक समय पहले दानव क्षेत्र में प्रवेश किया था। दानव क्षेत्र में अराजकता के सामने उसके लिए इसे पार करना कोई आसान बात नहीं थी। दानव क्षेत्र में यदि किसी के पास दिव्य क्षेत्र की ताकत नहीं है तो उसके पास उस स्थान को छोड़ने और अन्य स्थानों की यात्रा करने का अवसर नहीं हो सकता है जहां वह पैदा हुआ था, क्योंकि यह एक बहुत ही भयानक खतरे का प्रतिनिधित्व करता था। केवल किसी अनुपम स्वर्ग के गौरव के पास घूमने के अन्य साधन थे। तो जिविन ने दानव क्षेत्र को पार करने और मानव कबीले में लौटने के लिए पूरा आधा साल बिताया। दानव क्षेत्र छोड़ने के बाद ये जीवन ने थोड़ी राहत की सांस ली। दानव क्षेत्र माया से भरा था। हालांकि इससे उसे कोई बाधा नहीं हुई, यह बहुत आरामदायक नहीं था। मानव कबीले में लौटने के बाद येजीवेन ने पाया कि बाई मोजियाओ एक साल से अधिक समय से गायब नहीं हुई थी। इसके विपरीत यह अधिक से अधिक अहंकारी होता जा रहा था। अब जब वह यहाँ आ गया था तो उसे ये परिवार में वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इंपीरियल कोर्ट की शीर्ष 100 रैंकिंग प्रतियोगिता में अभी कई महीने बाकी थे। उसके पास पर्याप्त समय था। आखिरकार मानव जाति का क्षेत्र दानव जाति के क्षेत्र जैसा नहीं था। किसी भी समय कहीं छिपा हुआ एक पुराना राक्षस छिपा हो सकता है। एक महीना पर्याप्त समय से अधिक था। येजीवेन ये परिवार की दिशा में आगे बढ़ी। रास्ते में उन्होंने शैतान जाति या बाइमोजियाओ के शिष्यों को परेशान करते देखा। येक्षिवेन भावना के साथ आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। दानव जाति की तुलना में मानव जाति वास्तव में बहुत कमजोर थी। हालांकि दानव जाति की जनसंख्या मानव जाति जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन हर नागरिक एक सैनिक था और उनमें से हर एक युद्ध कला में निपुण था। मानव जाति के विपरीत कई सामान्य नश्वर मूल रूप से शक्तिहीन थे। हालांकि कई शहरों में कई योद्धा एकत्र हुए थे, लेकिन कई शहरों और देशों में अधिकांश आबादी अभी भी साधारण नश्वर थी और उनमें से सभी के पास अनगिनत योद्धा नहीं थे। मानव जाति की एक प्राचीन सड़क पर हवा का एक झोंका आया और धूल का एक बादल उठा। एक सियान आकृति धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। वह सड़क के किनारे एक छोटे से चाय के स्टॉल पर गए और तुरंत एक वेटर ने उनका अभिवादन करने के लिए आगे आकर कहा, सर क्या आप एक कटोरी हर्बल चाय पसंद करेंगे। इस वेटर की कुछ दृष्टि थी और उसने देखा कि यह व्यक्ति वास्तव में इतने गर्म मौसम में एक लंबा चोगा पहने हुए था। नहीं तो वह डरता था कि यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और एक योद्धा होना चाहिए। मुझे एक कटोरी हर्बल चाय चाहिए, ये जीवन मुस्कुराए और बोली। वह अपने दिल में भावनाओं के साथ आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। काफी समय से उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ था। जब से उसने अभ्यास करना शुरू किया, उसने शायद ही कभी इतना बेफिक्र महसूस किया था। यहाँ हर्बल चाय आती है, एक कटोरी के लिए 2 तांबे के सिक्के। वेटर ने आगे आकर हर्बल चाय का कटोरा उंडेल दिया।
येजीवेन ने सीधे त्यानेवान दर्पण से चांदी की एक पिंट को कुचल दिया और एक चांदी का सिक्का निकाला और सीधे वेटर को दे दिया। यह चाय के लिए पैसा है और बाकी मेरे लिए आपके लिए इनाम है, येजीवेन ने मुस्कराते हुए कहा। धन्यवाद महोदय आपके पुरस्कार के लिए। धन्यवाद महोदय, वेटर ने कृतज्ञता की दृष्टि से बार बार येजीवेन को धन्यवाद दिया। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, यह जगह बहुत शांतिपूर्ण लगती है, क्या कोई राक्षस जानवर परेशानी पैदा नहीं कर रहा है, येजीवेन ने एक पल के लिए सोचा और पूछा। बिल्कुल नहीं, वेटर ने बार बार सिर हिलाया। भले ही प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के लोगों के पास कम खेती थी, फिर भी उनके पास कुछ ज्ञान था। सर आपको सच कहूँ तो मैंने यह भी सुना है कि पिछले कुछ वर्षों में कई राक्षस जानवर विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस स्थान को प्रभावित नहीं किया है। यही कारण है कि हम यहाँ स्टॉल लगाने और व्यापार करने का साहस करते हैं, नहीं तो हम बाहर आने की हिम्मत कैसे करेंगे जब राक्षसी जानवर उत्पात मचा रहे हैं। येजीवेन ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जब से उन्होंने इस देश में प्रवेश किया जिसे कै राज्य कहा जाता है, उन्होंने महसूस किया कि राक्षस जानवर जो बाहर परेशानी पैदा कर रहे थे अचानक गायब हो गए थे। वह कह के आधे से अधिक राज्य को पार कर चुका था लेकिन उसे एक भी राक्षस जानवर नहीं मिला। तो ठीक है, आप अपना व्यवसाय करने जा सकते हैं, येजीवेन ने कहा। अचानक दूर से घोड़े की टापों की घनी आवाज सुनाई दी। उसने दूर से सीधे सर पर दौड़ते एक दर्जन से अधिक घुड़सवारों के समूह को देखा। उनके घोड़े अत्यंत शक्तिशाली थे। एक क्षण में ऐसा लगा कि वे मुख्य सड़क के दूसरी ओर हैं, लेकिन अब वे यहाँ निकट थे। घोड़ों की टापों से धूल का गुब्बार उठने लगा और फिर वे लगाम कसकर नीचे उतर पड़े। यह एक दर्जन से अधिक किशोर लड़के और लड़कियों का समूह था। वे सभी लगभग 15 या 16 साल के लग रहे थे। उनमें से एक पुरुष और एक महिला उनका नेतृत्व कर रहे थे। वह आदमी थोड़ा बड़ा लग रहा था, लगभग 18 साल का। वह सुंदर था और उसके चेहरे पर कुछ अहंकारी अभिव्यक्ति थी। दूसरी नेता 16 या 17 साल की लड़की थी। उसने एक उग्र लाल पोशाक पहनी हुई थी और आग की लपटों के समूह की तरह लग रही थी। वह एक नाजुक उपस्थिति थी और उसके हाथ में घोड़े की चाबुक थी। वह काफी वीर लग रही थी। मैं थक गया हूँ, अब चलो एक ब्रेक लेते हैं, उस 16 या 17 साल की लाल रंग की लड़की ने कहा। उसकी आवाज घंटी की आवाज की तरह मधुर और मधुर थी। हाँ हम भी थक गए हैं तो चलो एक ब्रेक लेते हैं। हाँ हाँ, लड़की की बातें सुनकर दूसरे लोग जल्दी से एक के बाद एक गूंज उठे, मानो वे लड़की को खुश करने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को देखा जो समूह का अगुवा था। उस आदमी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, चलो थोड़ा आराम करते हैं। सराय का मालिक, हमें कुछ हर्बल चाय पिलाओ। हाँ हाँ सर, सराय वाले ने तेजी से आगे बढ़कर आदरपूर्वक कहा। वह मार्शल आर्ट के विशेषज्ञों से डरता था और इन अमीर और शक्तिशाली लोगों से भी डरता था। हालांकि लोगों के इस समूह में ये दोनों विशेषताएं थीं और वह सिरदर्द से परेशान हुए बिना नहीं रह सका। इस बार हम विदेश गए और सत्य क्षेत्र के कई शैतानों का सफाया किया। यह वास्तव में संतोषजनक था। अगर भाई वांग टोंग नहीं होते तो हम इसे इतनी आसानी से नहीं कर पाते। भाई वांग वास्तव में शक्तिशाली हैं। सत्य के क्षेत्र के वे शैतान भाई वांग के एक ही वार से आसानी से कमजोर हो गए थे। केवल 2 या 3 चालों में उन्हें खरबूजे और सब्जियों की तरह काट दिया गया। के बारे में बातें कर रहे हैं। इस समय दुनिया अराजकता में है और यह हमारे लिए अपनी उपयोगिता दिखाने का समय है, किसी ने भावुक अंदाज में कहा। दुर्भाग्य से वे शैतान केवल दूसरे देशों में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हैं और हमारे कै राज्य के करीब एक कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते। हमारे मार्शल आर्ट कौशल वास्तव में बेकार हैं, एक अन्य किशोर ने भावना के साथ कहा। यदि भाई वांग टोंग का नेतृत्व नहीं होता तो हमारे लिए विदेश जाना आसान नहीं होता। बेशक हमारे वान परिवार के प्रतिरोध के तहत वे शैतान और राक्षस हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस समय वांग टोंग नामक युवक ने उदासीनता से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक बेकाबू गर्व था। इस समय उसकी नजर लाल रंग की लड़की पर टिकी हुई थी। ये क्षिवेन को नहीं पता था कि उसके विचारों की रेलगाड़ी अचानक कहाँ चली गई थी। यह पता चला कि यह वांग परिवार का क्षेत्र था। कोई आश्चर्य नहीं कि परेशानी पैदा करने वाले शैतान नहीं थे। हालांकि डेविलों ने अपने पंजे जमीन पर मनुष्यों की ओर बढ़ाए थे, वे आमतौर पर कुछ छोटे देशों में बड़ी ताकतों के संरक्षण के बिना थे। उदाहरण के लिए ये परिवार और वान परिवार सीधे क्षेत्र के शासन के अधीन थे, इसलिए किसी भी शैतान ने परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। क्या यह मौत को दावत नहीं दे रहा था? इन कुलों के गहरे शासन के साथ, इससे पहले कि वे परेशानी पैदा कर सके, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह वांग टोंग शायद पहले से ही एक आधा कदम पौराणिक अस्तित्व था। वह युवा और होनहार था। बेशक उनकी तुलना कुछ असामान्य प्रतिभाओं से नहीं की जा सकती थी। हालांकि प्राचीन बेरेंस महाद्वीप बहुत बड़ा था और ऐसे कुछ ही लोग थे। इस बार एक राक्षस हमारे कै राज्य में प्रवेश कर गया है। कहा जाता है कि यह आसमान से उतरा था।
इसने हमारे वान परिवार का ध्यान आकर्षित किया और यहाँ तक हमारे पूर्वजों के परिवार के प्रसिद्ध जीनियस वान ड्यूक्सियन ने व्यक्तिगत रूप से राक्षस को खत्म करने के लिए एक टीम का नेतृत्व किया। हमारे लिए यह एक दुर्लभ अवसर है। मेरे पिता ने मुझे जाने की अनुमति देने से पहले काफी समय तक इसके लिए विनती की। राक्षसों का सफाया करने वाला यह अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि पारलौकिक क्षेत्र में एक भयानक दानव बच गया होगा। जो लोग पालन करने में सक्षम हैं, वे मूल रूप से महान संत और ऊपर हैं। यह हमारे लिए खुद को प्रशिक्षित करने का एक शानदार अवसर है। एक दिन हम आसानी से पारलौकिक क्षेत्र में चढ़ने में सक्षम हो सकते हैं और असीम दीर्घायु के साथ एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। वान टोंग ने लड़की को लाल रंग में देखा और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश जारी रखी। उत्कृष्ट क्षेत्र, हे भगवान, एक पारलौकिक क्षेत्र दानव। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इतने सारे लोगों को लामबंद किया। हमारे वंश के महान सेनापति के पास भी ऐसी साधना नहीं है। उत्कृष्ट क्षेत्र, यह प्रथम श्रेणी में स्थान पाने के लिए पर्याप्त है। उनकी लड़ाई को अपनी आंखों से देखना हमारे लिए बेहद फायदेमंद है। युवकों ने शोर मचाया। काईराज्य वान परिवार के क्षेत्रों में से एक था। यह लंबे समय तक शांतिपूर्ण माना जाता था, खासकर इन कुलीन युवाओं के लिए। भले ही यह एक राक्षस जाति थी, वे अन्य देशों में जाने के बाद ही इसे देख पाएंगे। एक भयानक पारलौकिक क्षेत्र दानव का उल्लेख नहीं। उनमें से कई उत्तेजित हो रहे थे। मुझे उस दानव में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना चाहती हूँ और अपने पिता की बीमारी का इलाज करने के लिए हेवनली फॉल ग्रास प्राप्त करना चाहती हूँ। लाल रंग की लड़की ने अपनी नाजुक भौहों को एक साथ गूंथे हुए कहा। चिंता मत करो जूनियर रोमैन, अंकल के मामले मेरे भी मामले हैं। वह पर्वत श्रृंखला आमतौर पर उत्कृष्ट दायरे के जानवरों द्वारा संरक्षित होती है। आमतौर पर हम प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वान परिवार और आसपास के पैतृक परिवार के विशेषज्ञों के साथ यहां तक पारलौकिक क्षेत्र के जानवर भी आकस्मिक रूप से प्रकट होने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं हेवनली फॉल्ट ग्रास को खोजने में भी आपकी मदद करूंगा। चिंता मत करो, महान जनरल की चोटें निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी, वान डोंग ने कहा। वास्तव में इतनी परेशानी से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कबीले से रामबान के लिए अनुरोध कर सकता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि महाप्रबंधक की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक हेवनली फॉल्ट ग्रास है, मेरे पिता की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, युआन रोमैन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और वान डोंग के सुझाव को खारिज कर दिया। यह देखकर कि उनके सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया था, वान डोंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या मैं सबसे पूछ सकता हूँ कि क्या आकाश में कोई राक्षस है जो कह राज्य में प्रवेश कर चुके हैं? सहसा हरा वस्त्र पहने वह आदमी जो बगल में चुपचाप बैठा था अचानक बोला। अचानक सबकी नजर इस शख्स पर पड़ी। इस समय किसी ने पूछा, तुम कौन हो? मैं एक मार्शल कलाकार भी हूँ। दुनिया हाल ही में शांतिपूर्ण नहीं है और राक्षस परेशानी पैदा कर रहे हैं। मैंने रास्ते में कुछ राक्षसों को भी मार डाला है। मैंने सोचा था कि कै राज्य में कोई राक्षस परेशानी पैदा नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे यह सुनने की उम्मीद नहीं थी कि एक राक्षस उतर आया है। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, ये जिवेन ने कहा। वह स्वाभाविक रूप से सामान्य मामलों की परवाह नहीं करेगा। हालांकि यह मामला दानव जाति से संबंधित था और यह आकाश से भी आया था। ये लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन वह कैसे नहीं जान सकता था। यह शायद एक शक्तिशाली दानव था जो युद्ध के मैदान से आया था, जिसने इंपीरियल कोर्ट को घेर लिया था। ये राक्षस राक्षस जाति के कुलीन थे। यह कुछ ऐसा नहीं था जिससे आम लोग निपट सकें। एक बार हंगामा होने पर लोग निश्चित रूप से दुख और पीड़ा में डूब जाएंगे। अब जबकि दुनिया उथल पुथल में थी, वह पूरी दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन वह अभी भी कुछ चीजों को नियंत्रित कर सकता था जिनका उसने सामना किया। आप इसे नियंत्रित करना चाहते हैं? मैं आपको जल्द से जल्द छोड़ने की सलाह देता हूँ। यह एक उत्कृष्ट क्षेत्र स्तर का दानव है। एक महान ऋषि भी इसका विरोधी नहीं है, किसी ने व्यंग्य से कहा। उनकी राय में ये जिवेन अधिक से अधिक सत्य क्षेत्र के साधक थे। वहां जाना मौत को दावत देने से अलग नहीं होगा। यद्यपि मेरी साधना बहुत अधिक नहीं है, फिर भी मेरे पास स्वयं को बचाने के लिए कुछ साधन हैं। मुझे कुछ सहायता करनी चाहिए, ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा मैं वान परिवार की प्रतिभा से भी मिलना चाहता हूँ। वान ड्यूक्सियन, मैंने लंबे समय से आपके नाम के बारे में सुना है। वास्तव में उन्होंने वान ड्यूक्सियन का नाम कभी नहीं सुना था। यह एक आकस्मिक टिप्पणी के अलावा और कुछ नहीं था। कम से कम आपके पास कुछ दृष्टि है, वान टोंग के चेहरे पर तुरंत एक गर्व का भाव प्रकट हुआ। वान ड्यूक्सियन मेरे कबीले के भाई हैं और वह मेरे वंश के बहुत करीब हैं। हालांकि यह सबसे अच्छा है अगर आप नहीं जाते हैं। इस तरह की लड़ाई में आप भाग नहीं ले सकते हैं और हमारे लिए परेशानी का कारण न बने। इस समय वान डोंग की अभिव्यक्ति हमारे लिए परेशानी का कारण न बने थी। वह स्वयं को स्वामी मानने लगा।
हालांकि उसे ये देखने का अवसर भी येक्षिवेन के साथ अपने संबंधों के कारण मिला था। हाँ, हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश मत करो लड़का, क्रुद्धन मत बनो, हम यह तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर यहीं रहो और कहीं मत जाओ। शैतान से लड़ना उन लड़ाइयों की तरह नहीं है जिनका आपने पहले अनुभव किया है। डरो मत और अपनी पैंट गीली मत करो। हा 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 हा, यह सही है, यह सही है। ये अभिजात्य नौजवान जितना अधिक बोलते थे उतने ही असहनीय हो जाते थे। वे मूल रूप से बेईमान और बेईमान थे। कै राज्य में वे सर्वोच्च श्रेणी के कुलीन युवा थे। स्वाभाविक रूप से वे अपने कार्यों में बेईमान थे। उनमें से कोई भी येक्षिवेन को साथ नहीं लाना चाहता था। अगर मैं महान जनरल की बीमारी का इलाज कर सकता हूँ तो क्या आप मुझे साथ ला सकते हैं, येक्षिवेन ने उदासीनता से कहा। क्या यह कैसे संभव है लड़का, बकवास मत करो। क्या आप जानते हैं कि यह किस प्रकार का पाप है? बेहतर होगा कि आप बकवास न करें। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि कितने प्रसिद्ध डॉक्टरों ने महान जनरल का इलाज किया है? अचानक इन कुलीन युवाओं ने जोर से येक्षिवेन को फटकार लगाई। येक्षिवेन खुद को रोक नहीं सकी और उसने अपनी भौहें चढ़ा ली। मूल रूप से वे इस शैतान से छुटकारा पाना चाहते थे और लोगों को दुखों से बचाना चाहते थे। कौन जानता था कि ये लोग इतने असभ्य होंगे। इसे भूल जाओ, चूंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो इसे भूल जाओ। येक्षिवेन तुरंत उठी और चाय की दुकान से बाहर चली गई। वह दूसरे लोगों के व्यवसाय की परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। वैसे भी यह वान परिवार का इलाका था। कोई बात नहीं, इस समस्या को हल करने के लिए वान परिवार के विशेषज्ञ जिम्मेदार होंगे। वान परिवार ये परिवार से अधिक शक्तिशाली था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। सर, कृपया प्रतीक्षा करें। इस समय लाल रंग की लड़की ने जल्दी से अपना मुंह खोला और कहा। वह लगभग अचानक उछल पड़ी। अन्य अभिजात वर्ग के युवा वहीं खड़े होकर बात कर रहे थे। किसी भी मामले में इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। येक्षिवेन एक रहस्यमय डॉक्टर की तरह नहीं दिखती थी, लेकिन वह अलग थी। आखिर वह उसका पिता था। वो उसके बारे में इतनी चिंतित थी कि वो अचानक येक्षिवेन की तरफ कूद गई और सीधे उसका हाथ खींच लिया। जब वान तोंग ने इस दृश्य को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसकी आंखों में एक जानलेवा नजर आ गई जब उसने येक्षिवेन को देखा। येक्षिवेन किस प्रकार की खेती करते थे? लगभग एक पल में उसने पहले ही इस जानलेवा रूप को महसूस कर लिया था। वह मुड़े बिना नहीं रह सका और वान तोंग को देखा। उसने वास्तव में उस पर जानलेवा नजर डालने का साहस किया। वह जीने से थक गया था। यदि यह दिव्य साधना के साथ एक बूढ़ा व्यक्ति होता तो वह पहले ही एक चाल चल चुका होता, लेकिन क्योंकि प्रतिद्वंद्वी की साधना अधिक नहीं थी वह चाल चलने में बहुत आलसी था। लेकिन अपने दिल में उसे यह याद आया। आप क्या चाहते हैं, येक्षिवेन ने उदासीनता से कहा। सर, कृपया मेरे पिता को बचा लीजिए। मिस्टर, कृपया मेरे पिता को बचा लीजिए। युआन रुओमेंग ने तेजी से आगे कदम बढ़ाया और येक्षिवेन को गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखते हुए कहा। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, येक्षिवेन ने ठंडेपन से कहा। श्रीमान, नाराज मत हो, युआन रुओमेंग ने जल्दी से कहा। अगर मिस्टर वास्तव में मेरे पिता को बचा सकते हैं तो रुओमेंग हमेशा के लिए आभारी रहेंगे। युआन रुओमेंग ने सीधे येक्षिवेन को प्रणाम किया, जिससे वह कुछ हैरान हुआ। युआन रुओमेंग एक लाड़ प्यार करने वाली युवती थी, लेकिन वह वास्तव में अपने पिता की खातिर उसके सामने झुकी थी। इससे उसके मन में उसके प्रति सम्मान का एक नया स्तर आ गया, येक्षिवेन ने एक पल के लिए सोचा। वान तोंग पहले से ही कुछ अधीर हो गए थे और उन्होंने कहा, सिस्टर रुओमेंग, यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से जियानभू ठग है। हमने चाचा की बीमारी के इलाज के लिए कई प्रसिद्ध डॉक्टरों को आमंत्रित किया है। कई प्रसिद्ध डॉक्टर किंग्स ने उन्हें पसंद किया है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। केवल कुछ वर्षों की साधना के साथ, भले ही उसने वास्तव में चिकित्सा का अध्ययन किया हो, उसके लिए चाचा की जान बचाना असंभव है। यह सही है, वह स्पष्ट रूप से एक ठग है और अब वह हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि वह वास्तव में जीने से थक गया है। यह सही है, कई अन्य कुलीन युवा स्वामी एक के बाद एक गूंज उठे। उसके बाद भूल जाओ, येक्षिवेन ने भी उदासीनता से कहा। वह इस तरह की परवाह करने में बहुत आलसी था। मिस्टर, कृपया रुकें, मैं मिस्टर से मदद करने की विनती करता हूँ। वे दोस्त अनजाने में थे, युआन रुओमेंग ने उन्हें घूरते हुए कहा। युआन रुओमेंग द्वारा घूरे जाने के बाद वे लोग डर के मारे अचानक चुप हो गए। यह कल्पना की जा सकती है कि युआन रुओमेंग को आम दिनों में काफी सम्मानित होना चाहिए। चूंकि मिस युआन इतनी फिल्मी है, मैं स्वाभाविक रूप से इतनी निर्दयी नहीं होंगी। इस शैतान से छुटकारा पाने के बाद मैं आपके साथ काई राज्य की शाही राजधानी चलूंगी। जब तक यह मेरी क्षमता के भीतर है, मैं चुपचाप खड़े मत रहो, येक्षिवेन ने रुक कर कहा। धन्यवाद श्रीमान, धन्यवाद, युआन रुओमेंग ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। वह भी नहीं जानती थी क्यों। हालांकि अन्य लोगों ने कहा कि यह व्यक्ति एक ठग हो सकता है, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह एक ठग नहीं हो सकता।
इसलिए वो एक शिवेन की बातों पर यकीन किए बिना नहीं रह सकी। वैंग टोंग और अन्य लोगों ने ये जिवेन की आंखों में और भी अधिक नाराजगी के साथ देखा। मेरा नाम लियू हुआन है, चूंकि आप एक डॉक्टर हैं, तो क्या आप मुझे देखने में मदद कर सकते हैं? वैंग टोंग की नजर में 15 या 16 साल का एक तगड़ा युवक आगे बढ़ा और अपने चेहरे पर कुछ उत्तेजक नजर के साथ कहा। सबकी निगाहें ये जिवेन पर टिकी थी, खासकर वैंग टोंग पर। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह आदमी जो अचानक कहीं से प्रकट हो गया था एक प्रसिद्ध चिकित्सक हो सकता है। यह अतार्किक था, सड़क पर इतने विशेषज्ञ कैसे हो सकते हैं कि लोग टकरा जाएं? उन्होंने बस इस युवक की ओर देखा और कहा, आपको अग्नि गुण शक्ति तकनीक का अभ्यास करना चाहिए। हालांकि यह स्पष्ट रूप से अधूरा है, इसलिए आप इसे ऋषि के दायरे में अधिक से अधिक अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा यह अग्नि गुण शक्ति तकनीक है अत्यधिक दबंग, जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे परिणाम उतने ही गंभीर होंगे। यह दिन रात आपकी शिरोबिंदु को जलाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके कबीले में बहुत कम लोग होने चाहिए जो लंबे समय तक जीवित रह सकें। तुम्हें कैसे पता चला? हटे कट्टे नौजवान की आंखें अविश्वास से फैल गईं। ये जिवेन ने अपनी समस्या को केवल एक नज़र से ही समझ लिया था। वह स्पष्ट रूप से अपने दांत भींच सकता था और इससे इनकार कर सकता था। हालांकि यहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, इसलिए बकबक करना बेकार था। जैसा कि ये जिवेन ने कहा था, उनके कबीले की साधना तकनीक वास्तव में एक अग्नि विशेषता शक्ति तकनीक थी। हालांकि उनके पूर्वज को एक गुफा हवेली में एक अधूरी शक्ति तकनीक मिली थी। बाद में उनके पूर्वज ने अपना भाग्य बनाने और कै राज्य के रईसों में से एक बनने के लिए इस अग्नि विशेषता शक्ति तकनीक पर भरोसा किया था। उन्होंने इस समय वैंग टोंग के संकेत की परवाह नहीं की। वह कुछ उत्साहित दिखे और उन्होंने पूछा, क्या मिस्टर ये के पास इसका उपाय करने का कोई तरीका है? यह सवाल पूछते ही उनके होंठ कांप रहे थे। उनका परिवार अमीर बनने के लिए इस अग्नि गुण शक्ति तकनीक पर निर्भर था। हालांकि उन्होंने जल्दी ही इस अग्नि विशेषता शक्ति तकनीक की कमियों का पता लगा लिया था। यह अतुलनीय रूप से दबंग था। ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में हर समय आग लगी हो। इसलिए उन्होंने इस चिलचिलाती भावना को नियंत्रित करने के लिए कै राज्य के हिमक क्षेत्र पर अपनी खोज स्थापित की थी, भले ही उन्होंने अग्नि विशेषता शक्ति तकनीक का अभ्यास किया था। किसी व्यक्ति की शक्ति जितनी अधिक गहरी होती है उतना ही वह इस भावना को समझ सकता है। खासकर उनके कुल के पूर्वज, वे बस एक आइस क्यूब में रहते थे और दर्जनों वर्षों से बाहर नहीं आए थे। इसके अलावा उनके कबीले का जीवन काल उसी क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों की तुलना में बहुत कम था। ऋषि विशेषज्ञ अधिक से अधिक 2000 वर्ष तक जीवित रह सकते थे। हालांकि उनके कबीले के पूर्वज अधिक से अधिक 1000 वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह सके। फिर वे या तो आत्महत्या कर लेंगे या आत्मविनाश करेंगे। किसी कबीले या बल्कि पुरानी पीढ़ी के शक्ति घर अक्सर एक महान निवारक होते हैं, भले ही वे कार्रवाई न करते हों। उन्हें एक निवारक शक्ति के अस्तित्व के रूप में माना जाएगा। वास्तव में वे अन्य कुलों और सेनाओं के पूर्वजों के साथ यह देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे कि कौन अधिक समय तक जीवित रह सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवन के कुछ वर्ष या एक दर्जन वर्ष भी बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा कई सौ वर्षों के अंतर को भरने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा उनके परिवार की शक्ति तकनीक अधूरी थी, इसलिए जब तक वे ऋषि लोक में पहुंचेंगे तब तक उनका जीवन काल समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस शक्ति तकनीक की भरपाई करने का कोई तरीका नहीं था। एक रास्ता है, लेकिन यह समस्या की जड़ को हल नहीं करता है। आपके कबीले की समस्या आपकी शक्ति तकनीक की समस्या में है। इसे बदलना बहुत मुश्किल होगा अगर आप अपने कबीले की शक्ति तकनीक के लिए कोई उपाय नहीं सोचते हैं। ये जिवेन ने एक पल के लिए सोचा और कहा। यह तगड़ा युवा अपने आप को थोड़ा निराश किए बिना नहीं रह सका। हालांकि उन्होंने तुरंत सोचा कि समस्या की जड़ का इलाज करने का एक तरीका बेहतर है। सर, कृपया हमारे कबीले को बचाएं, तगड़े युवक ने तुरंत कहा। उन्होंने वैंग टोंग की अभिव्यक्ति की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उनका कुल बाहर से बड़ा प्रतापी दिखाई देता था, हालांकि उनकी आंतरिक पीड़ा के बारे में कौन जानता था। अब ये जिवेन के लिए चीजों को मुश्किल बनाने की परवाह कौन करेगा, जब समस्या की जड़ का इलाज करने का एक तरीका था। आपके कबीले की मुख्य समस्या यह है कि अग्नि विशेषता शक्ति तकनीक बहुत ही दबंग है। इसने यान फायर की अधिकता को जन्म दिया है और यह पंच तत्वों के असंतुलन का परिणाम है। मेरे पास यहाँ एक डैन फॉर्मूला है, आप इसे वापस ले सकते हैं। यह आपकी शक्ति तकनीक की समस्या का समाधान नहीं करेगा, हालांकि यह आपके शरीर की जलन की समस्या को हल कर सकता है। ये जिवेन ने कहा, करीब आओ। तगड़ा युवक तुरंत आगे बढ़ा। ये जिवेन ने उन्हें दान सूत्र बताया। उसके लिए यह सिर्फ केक का एक टुकड़ा था। भूतकाल में जब वह कीमिया का अभ्यास कर रहा था तो उसने सभी प्रकार के दान सूत्रों के बारे में सीखा था, तो यह 100 बातों को समझने की बात थी। उसने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की थी, हालांकि उनका चिकित्सा कौशल समस्या की जड़ को देखने के अलावा और कुछ नहीं था। तब वह कोई हल निकालेगा।
उनके लिए अपने वर्तमान क्षेत्र के साथ समस्या की जड़ का पता लगाना बहुत आसान था, तो समाधान भी उनके हाथ में था। वह उन डॉक्टरों जैसा नहीं था। उन डॉक्टरों ने जो कुछ सीखा था और चिकित्सा सिद्धांतों के अनुसार समस्या का इलाज किया, हालांकि उन्होंने जड़ से शुरुआत की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके लिए समस्या का समाधान करना बहुत आसान था। धन्यवाद सर ये। तगड़े युवक ने तुरंत ये जिविन को धन्यवाद दिया। उसने अभी तक प्रभाव का परीक्षण नहीं किया था, हालांकि उसे ये शिविन की बातों पर विश्वास था। ये जिविन ने उनके कबीले की समस्या को इतनी आसानी से समझ लिया था, इसलिए उनका इलाज करना उनके लिए केक का एक टुकड़ा होना चाहिए। इसके अलावा जितना अधिक ये जिविन ने समस्या को कम करके दिखाया, उतना ही अधिक आश्वस्त हो गया। दूसरे लोग यह देखकर ललचा गए जब उन्होंने देखा कि ये जिविन ने लियू हुआन के मामले को इतनी आसानी से सुलझा लिया है। यहां तक एक अहंकारी और अनियंत्रित विशेषज्ञ भी इन डॉक्टरों को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह कहा जा सकता है कि साधना का मार्ग कठिनाइयों और खतरों से भरा था। कई विशेषज्ञ अपने पूरे शरीर पर चोटों के साथ समाप्त हो जाएंगे। ये जिविन खुद भी चोटों से भरा हुआ था। अगर उसके पास फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक नहीं होती तो उसे पता नहीं होता कि वह कितनी बार मर चुका होता। कुछ छिपी हुई चोटों का इलाज फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक के बिना नहीं किया जा सकता था, इसलिए सैद्धांतिक रूप से योद्धाओं का जीवनकाल बहुत लंबा होता था, हालांकि उनमें से कुछ ही उस स्तर तक पहुंच सके। ऐसे में कौन उन डॉक्टरों को नाराज करने की हिम्मत करेगा। चिकित्सकों के कुछ शिष्यों को विशिष्ट अतिथि के रूप में भी माना जाता था। युआन रूओमेन का ये जिविन में विश्वास तब बढ़ गया जब उसने देखा कि ये जिविन ने आसानी से एक व्यक्ति की समस्या को हल कर दिया है। निश्चित रूप से अगर उसके पास कुछ कौशल नहीं है तो वह लापरवाही से शेखी बघारने की हिम्मत नहीं करेगा। सभी ने लियू हुआन के उदाहरण के रूप में ये जिविन को एक के बाद एक देखा। उनकी आंखें थोड़ी इच्छा से भरी थीं। ये शिविन ने उन्हें मना नहीं किया। उन्होंने एक के बाद एक उनके शरीर में होने वाली समस्याओं की ओर इशारा किया। फिर उन्होंने उन्हें अमृत का नुस्खा दिया। वह अमृत का नुस्खा नहीं बता सकता था। वह समस्याओं को देख सकता था, लेकिन वह उन्हें अमृत के नुस्खे से हल कर सकता था। उसने केवल अमृत के नुस्खे में दबोच लिया था। हालांकि किमिया स्वाभाविक रूप से इन कुलीन परिवारों के लिए कोई समस्या नहीं थी। इन नौजवानों ने हजारों मील का सफर तय कर शैतान जाति का वध किया था। ये जिविन की राय में उनका स्वभाव बुरा नहीं था, इसलिए वह उनकी मदद करने को तैयार थे। बहन रूओमेन, अगर आपने पर्याप्त आराम कर लिया है तो चलो चलते हैं। वान टोन ने देखा कि हर कोई ये जिविन को चांद की तरह ट्रीट कर रहा था। वह अधिकाधिक अप्रसन्न होता जा रहा था। उसने अपने दांत पीस लिए और ये जिविन को घूरते हुए कहा, लानत है तुम पर, तुमने मेरी लाइमलाइट चुराने की हिम्मत की। मैं तुम्हें इसका पछतावा कराऊंगा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक डॉक्टर की परवाह नहीं की। वान कबीला एक बड़ा कबीला था। उनके पास अनगिनत चिकित्सक थे। वे पुनर्तः स्वावलंबी थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उनके जैसे बाहरी लोगों से अलग थे। इसलिए उन्हें विश्वास था कि वह युआन रूओमेन के पिता को ठीक करने के लिए अमृत मांग सकते हैं। उस समय वह इन देश के दबंगों को यह देखने देगा कि एक सच्चा कुलीन परिवार क्या होता है। वह यह भी देखेगा कि वान कबीला एक माकिस कबीला क्यों बन सकता है और लाखों मील भूमि पर शासन कर सकता है। ये शिविन ने तुरंत वान टोन के द्वेष को भांप लिया। हालांकि उन्होंने परवाह नहीं की। उसने सिर्फ दूसरे व्यक्ति की समस्या की ओर इशारा किया। फिर उन्होंने कहा, उस मामले में चलो चलते हैं। हर कोई तुरंत सहमत हो गया। वे उसी स्थिति में नहीं थे जब वे कुछ समय पहले ये शिविन के लिए चीजों को मुश्किल बना रहे थे। संकेतों की इस श्रृंखला के बाद सभी ने ये शिविन के लिए पूरी तरह से धन्य महसूस किया। वह एक छिपा हुआ विशेषज्ञ था। वे स्वाभाविक रूप से ऐसे विशेषज्ञ को फिर से नाराज नहीं करना चाहते थे। जब वान टोंग ने इस दृश्य को देखा तो वह और भी नाराज हो गया। यदि ये शिविन नहीं होती तो वह सबका ध्यान आकर्षित करता। हालांकि जब से उन्होंने जाने का फैसला किया था, हर कोई फिर से अपने घोड़ों पर सवार हो गया। इस समय उन्हें पता चला कि ये शिविन के पास घोड़ा नहीं था। ये कीमती घोड़े असाधारण थे और उनके शरीर में शातिर जानवरों का खून था। यदि वे पूरी गति से दौड़ें तो वे उड़ने की तुलना में अधिक तेज होंगे, इसलिए उन्होंने उड़ने के बजाय घोड़ों की सवारी करना चुना। मुझे खेद है मिस्टर याप, लेकिन हमारे पास कोई अतिरिक्त घोड़े नहीं बचे हैं। अन्यथा बेहतर होगा कि आप अपना समय लें, हम आपको पता बता सकते हैं। वान टोंग ने बोलते हुए अपना चेहरा सीधा रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। श्री हाँ, आप मेरे घोड़े की सवारी कर सकते हैं। इस समय युआन रूओमेन एक उग्र लाल घोड़े के साथ चला गया, जो लौ की गेंद की तरह लग रहा था, और ये जिविन से कहा, श्री हाँ, तुम मेरी सवारी क्यों नहीं करते? मेरे किलिन घोड़े की सवारी करो। मेरे किलिन घोड़े में किलिन जानवर के खून का निशान है। जब यह दौड़ेगा तो यह समतल जमीन पर चलने जैसा होगा। इन नेक बच्चों ने एक के बाद एक कहा। ये लोग बचपन से ही अपने परिवार के कुलीन बच्चे माने जाते थे।
उनमें से प्रत्येक चतुर और निर्दयी था। ये जिवेन उनकी नजर में एक अद्वितीय विशेषज्ञ थीं। भले ही वे उसे भर्ती नहीं कर सके, वे उसे अपमानित नहीं कर सके। ऐसा नहीं था कि वांग टोंग इसे नहीं समझते थे। हालांकि हर बार जब वह युआन रुओमेन को देखता था तो वह ये जिवेन को एक अमित्रतापूर्ण नजर से देखता था। उन्होंने पहले ही युआन रुओमेन को अपनी विशेष संपत्ति मान लिया था। उसे कोई छू नहीं सकता था, अगर कोई करता तो वह उनसे मौत से लड़ता। इसके अलावा उनका जन्म वान परिवार में हुआ था। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में भी वान परिवार एक प्रसिद्ध माक्विस परिवार था। ये लोग कौन थे, उनकी तुलना उनसे कैसे की जा सकती है? कोई जरूरत नहीं है, आप इसे सवारी कर सकते हैं, मेरे पास बनाए रखने का एक तरीका है। ये जिवेन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी और बोली। वह एक आकस्मिक कदम से सैकड़ों मील की यात्रा कर सकता था। वह शातिर जानवरों के खून वाले इन कीमती घोड़ों से कहीं ज्यादा मजबूत था। चूंकि मिस्टर ये ने ऐसा कहा है, चलो अनुचित न हो, चलो चलते हैं। अगर हम समय पर वहां नहीं पहुंच पाए तो मुझे डर है कि हम इस भव्य कार्यक्रम को याद करेंगे। इस समय वांग टोंग ने अधीरता से कहा, ऐसा लगता है कि ये जिवेन का अपने घोड़े पर चढ़ने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए हर कोई और देर नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक के बाद एक अपने घोड़े चढ़ाए। जैसे ही वह घोड़े पर चढ़ा, वांग टोंग ने पूरी गति से सर पर दौड़ना शुरू कर दिया, मानो वह ये जिवेन को पूरी तरह से पीछे छोड़ना चाहता हो। पहले तो हर कोई चिंतित था कि ये जिवेन उनके साथ नहीं चल पाएगा, लेकिन जल्दी उन्हें पता चला कि वे चाहे कितनी भी तेज गति से दौड़ें, ये जिवेन हमेशा आसानी से उनके साथ चलने में सक्षम थी। ऐसा लगता था जैसे वह हमेशा उनके पीछे लटका हुआ था, न ज्यादा दूर न ज्यादा नजदीक, न ज्यादा आगे न ज्यादा पीछे। अंत में वांग टोंग थक गया और धीरे धीरे धीमा हो गया। पूरी गति से दौड़ना BMW पर एक बहुत बड़ा बोझ था, लेकिन ये जिवेन से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। 3 दिन बाद वे अंततः कह राज्य की गहराई में एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला की गहराई में पहुंचे। इसके बाद ही वे रुके। इन 3 दिनों में हर किसी को ये शिवेन की ताकत की बुनियादी समझ थी। इन 3 दिनों में सब लोग पूरी गति से दौड़े, यहां तक उनके नीचे की BMW भी मरे हुए कुत्ते की तरह थक गई थी। हालांकि ये जिवेन एक बार भी पीछे नहीं रही, इसने उन्हें गुप्त रूप से अवाक कर दिया और उनके पास एक शिवेन की ताकत का उच्च मूल्यांकन था। कुछ लोगों ने सोचा कि वह साधु क्षेत्र में था, या यहां तक कि महान संत भी। उन्हें इस बात का हल्का सा अंदाजा भी था कि ये शिवेन एक ट्रांसेंडेंट रियलम पावर हाउस भी हो सकती है। काई राज्य में एक ट्रांसेंडेंट रियलम पावर हाउस पहले से ही एक परम गुरु था। यहां तक युआन रुओमेन के पिता, जो केवल एक ट्रांसेंडेंट रियलम पावर हाउस थे, पहले से ही एक सुप्रीम जनरल के रूप में रैंक किए गए थे। यहां तक शाही परिवार भी ऐसे बिजली घर में काम करना चाहता था। जब ऐसा बिजली घर घायल होता तो स्वाभाविक रूप से सामान्य डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में ऐसे बिजली घर का भौतिक शरीर पहले से ही बहुत मजबूत था, उनके लिए चोटिल होना मुश्किल होगा। हालांकि एक बार जब वे घायल हो गए तो यह एक गंभीर चोट होगी जिसे ठीक करना मुश्किल होगा। जैसे युआन परिवार को उनकी मदद के लिए एक प्रसिद्ध डॉक्टर की तलाश करने का कोई रास्ता नहीं मिला। वे डॉक्टर के नुस्खे को खोजने के लिए विदेश भी गए। वे अपनी चोटों के इलाज के लिए इस नुस्खे पर भरोसा करने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये शिवेन से उम्मीद नहीं की थी। जब तक वे पहुंचे तब तक पूरी पर्वत श्रृंखला को सील कर दिया गया था। कई स्वामी ऊपर और नीचे आए, उन्होंने पूरी पर्वत श्रृंखला को घेर लिया। जाहिर है वे सभी वान परिवार के स्वामी थे। सेज रियल मास्टर्स हर जगह देखे जा सकते थे। यहाँ तक महान संत स्तर के गुरु भी कभी कभी देखे जा सकते थे। ये महान साधु स्तर के गुरु सभी अत्यंत अहंकारी थे। यह सामान्य था, इन अंतर्देशीय देशों में महान संत स्तर के गुरु पूरे क्षेत्र को भयभीत कर सकते थे। क्या आप देख रहे हैं, वे सभी हमारे वान परिवार के स्वामी हैं। हमारे वान परिवार के लिए यह कुछ भी नहीं है, वांग टोंग ने गर्व के साथ कहा। इस समय आकाश में उतार चढ़ाव था और एक आकृति आकाश से उतरी। यह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, एक महान संत। उसने भीड़ पर अहंकार से देखा और फिर वांग टोंग से कहा, डोंग रत, तुम यहाँ हो, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ अंकल, ये मेरे दोस्त हैं। यह क्या राज्य के महान जनरल युआन रुओमेन की बेटी है, जूनियर रुओमेन, यह मेरे चाचा हैं, वांग टोंग ने सभी से कहा। हालांकि हर कोई बता सकता है कि वह मुख्य रूप से युआन रुओमेन का परिचय कराना चाहते थे। तो यह ऐसा ही है, तुम महान जनरल युआन की बेटी हो, मैं भी उनसे पहले एक बार मिल चुका हूँ। इस समय महान ऋषि ने अपनी अहंकारी अभिव्यक्ति को रोक दिया। हालांकि वान परिवार वास्तव में अंगिनत पारलौकिक क्षेत्र के स्वामी के साथ एक बड़ा परिवार था, वह एक पारलौकिक क्षेत्र गुरु नहीं था। इसलिए उन्हें अभी भी ट्रांसेंडेंट रियल मास्टर्स के लिए आवश्यक सम्मान बनाए रखना था। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मुझे अंकल कह सकते हैं। मूल रूप से वह सिर्फ एक महान संत थे।
वह एक पारलौकिक क्षेत्र के गुरु को भाई कहने के योग्य कैसे हो सकता है। हालांकि वह स्वाभाविक रूप से कुछ भी महसूस नहीं करेगा क्योंकि वह वांग परिवार से था। नमस्कार चाचा, युआन रुओमेंग ने संकोच नहीं किया और सीधे कहा। हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ठंडी हवा के एक कौर को अंदर ही अंदर चूस रहा था क्योंकि उन्होंने इतने सारे विशेषज्ञों को आकाश को कवर करते हुए देखा। यह पहली बार था जब वे जानते थे कि वांग कबीले का प्रभाव इतना बड़ा था। किसी को पता होना चाहिए कि कई लोगों के कुलों के बुजुर्ग केवल ऋषि दायरे के थे। हालांकि ऋषि क्षेत्र के विशेषज्ञ इस जगह पर गोभी की तरह आम थे। वे बिल्कुल भी लायक नहीं थे। हर जगह सेज रियल मास्टर्स थे, यहां तक कई महान ऋषि लोक गुरु भी थे। इस समय उन्होंने वांग टोन को थोड़ा और विस्मय से देखा। इस समय उन्हें अंततः वांग परिवार के बारे में वह कथा याद आ गई जो उन्होंने पहले सुनी थी। यह किंवदंती शायद ही कभी प्रकट हुई हो, लेकिन यह क्या राज्य में प्रसारित हो रही थी। ऐसी अफवाहें थीं कि वांग परिवार इस देश का एकमात्र शासक था। हालांकि युवा पीढ़ी शायद ही कभी इस पर विश्वास करती है। आखिरकार वांग परिवार शायद ही कभी दिखाई दिया। इस बार वांग टोन के राज्य में दिखाई दिए। वे सभी वांग टोन के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए अपने परिवार के बुजुर्गों द्वारा भेजे गए थे। हालांकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि वांग परिवार की ताकत साधारण नहीं हो सकती है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतने जिद्दी होंगे। यहां तक कि शाही परिवार भी उपस्थित विशेषज्ञों की संख्या के आधार पर इतने विशेषज्ञों को बाहर भेजने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसके अलावा यह केवल इसका एक हिस्सा होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि वांग परिवार सीमा से बहुत दूर था। अपने स्तर के लोगों के लिए वांग परिवार की भयावहता किंवदंतियों में मिश्रित थी। यह बहुत कोहरे में डूबा हुआ था। वे इसे साफ नहीं देख पाए। वे केवल इतना जानते थे कि वांग परिवार बहुत शक्तिशाली हो सकता है। हालांकि वे नहीं जानते थे कि वे कितने शक्तिशाली थे। यह है, इस समय वांग टोन के चाचा ने आखिरकार ये जिवेन को देखा और पूछने के अलावा खुद को नहीं रोक सके। उसने सहज रूप से महसूस किया कि एक शिवेन थोड़ा असामान्य था। हालांकि एक शिवेन बहुत साधारण दिख रही थी और थोड़ा सा भी असामान्य नहीं लग रही थी, लेकिन इसके विपरीत उसने महसूस किया कि एक शिवेन थोड़ा असामान्य था। वह एक यात्रा चिकित्सक है, वांग टोन ने जल्दबाजी में कहा। उनके स्वर में थोड़ा तिरस्कार था। वह मूल रूप से ये जिवेन की ताकत से चौंक गया था, लेकिन अब जब उसे वांग परिवार का समर्थन मिल गया था तो वह अचानक आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था। स्वाभाविक रूप से उसने ये शिवेन को अपनी आंखों में नहीं डाला। भले ही एक शिवेन के पास कुछ चिकित्सा कौशल थे, तो क्या उनकी पहचान की तुलना वांग परिवार से कैसे की जा सकती है। वांग टोन के चाचा अपने भतीजे के शब्दों की जिद को कैसे नहीं समझ सकते थे। ऐसा लग रहा था कि उसके और एक शिवेन के बीच कुछ मनमुटाव था। अंकल, इस लड़के में कुछ हुनर, लेकिन यह बहुत परेशान करने वाला है। क्या आप उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका सोच सकते हैं, वांग टोन ने सीधे कहा। यह हम इस पर्वत श्रृंखला को बंद करने में व्यस्त हैं। हम किसी भी जनशक्ति को नहीं छोड़ सकते। हमें जोंग परिवार के लोगों के आने का इंतजार करना होगा, वांग टोन के चाचा ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। काई साम्राज्य का वांग परिवार केवल वांग परिवार का एक शाखा परिवार था। हालांकि उनकी ताकत अभी भी बहुत मजबूत थी, लेकिन उनकी तुलना जोंग परिवार से नहीं की जा सकती थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले ही इस पर्वत श्रृंखला का पता लगा चुके हैं। बाद में मैं कुछ लोगों को उन्हें कुछ खतरनाक स्थानों पर ले जाने के लिए भेजूंगा। समय आने पर वह राक्षसी जानवरों के हाथों मर जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा। वांग टोन के चाचा की आंखों में एक जानलेवा नजर आ गई। उनके लिए यह सिर्फ एक व्यक्ति को मारना था, लेकिन वांग परिवार के लिए यह कुछ भी नहीं था। यह बहुत अच्छा है चाचा, धन्यवाद, वांग टोन ने खुशी से कहा। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है। इस आदमी ने हमारे वांग परिवार को नाराज करने की हिम्मत की। वह मर जाएगा, वांग टोन के चाचा ने तिरस्कार पूर्वक कहा। वे अपनी दिव्य इंद्रियों से संचार कर रहे थे। उन्हें लगा कि इसकी भनक किसी को नहीं है। हालांकि ये जिवेन की साधना हास्यास्पद रूप से अधिक थी। भले ही वे अपनी दिव्य इंद्रियों से संवाद कर रहे हों, यह उनके सामने बोलने से लगभग अलग नहीं था। वांग टोन उपहास किए बिना नहीं रह सका। इस सब के बारे में यह आग को देखने जैसा था। वांग युक्सियन यहाँ है, सोंग परिवार के लोग यहाँ हैं। अचानक आकाश में भेदी ध्वनि का एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद दर्जनों सिलहूट शून्य से टूट गए। ये जिवेन वांग परिवार से दोनों की योजनाओं को समझने में सक्षम थी। उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। उसकी साधना इन लोगों से कहीं अधिक थी। एकमात्र महान संत ये जिवेन की आध्यात्मिक इंद्रियों से भी उनकी आंखों से छिपने में सक्षम नहीं होगा। जैसा कि कहा जाता है, एक देवता न्यूनतम विवरण के माध्यम से देख सकता है और हजारों मील को रोशन कर सकता है। आकाशों में और धरती पर जब तक कोई उसका नाम लेगा, वह जान जाएगा। स्वाभाविक रूप से ये जिवेन अभी तक इस स्तर तक नहीं पहुंची थी। हालांकि यह अनिवार्य रूप से वही था। सोंग परिवार यहाँ है,
सोम परिवार यहाँ है, सब लोग तैयार हो जाओ। देखते ही देखते हड़कंप मच गया। ऋषि दायरे और आकाश में महान ऋषि विशेषज्ञों का एक झुंड अचानक शोरगुल हो गया। आकाश में पारलौकिक क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों ने भी स्वयं को प्रकट किया। ये जिवेन की भौहें तन गईं और वह खुद को थोड़ा अजीब महसूस किए बिना नहीं रह सकी। क्या यह दानव केवल पारलौकिक क्षेत्र में है? यदि यह केवल पारलौकिक क्षेत्र में है तो वान परिवार का शाखा परिवार इससे निपटने में सक्षम होगा। क्या जोम परिवार से बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को भेजने की आवश्यकता है? ये जीवेन की निगाहें इधर उधर देखने लगी। उनकी दृष्टि अत्यंत पैनी थी। एक पल में उसने पहले से ही आने वाले लोगों को देखा। इनमें एक पुरुष और एक महिला प्रमुख थे। उस आदमी का सफेद लबादा हवा में लहरा रहा था। उनका स्वभाव एक देवता के समान उत्कृष्ट था। अवर्णनीय अहंकार के संकेत के साथ उनकी अभिव्यक्ति ठंडी और अहंकारी थी। महिला के लिए उसने एक सियान गाउन पहना था और उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार थी। वह कोई और नहीं बल्कि ये जिवेन की पुरानी परिचित यूनू तलवार आहकिंग थी। उनके पीछे दर्जनों शक्तिशाली हस्तियां थीं। उनके पीछे दर्जनों आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उनके पीछे दर्जनों लॉ मैनिफेस्टेशन और ट्रांसेंडेंट रियल्म विशेषज्ञ थे। जैसे ही ये लोग प्रकट हुए, ऐसा लगा मानो वे आकाश और पृथ्वी को दबा रहे हों। उनकी शक्तिशाली आभा ने सभी प्रतिक्रियाओं को दबा दिया। इस समय युआन रुओमेंग, लियू हुआन और अन्य लोग दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने आकाश में भगवान जैसी दर्जनों आकृतियों को देखा। इन लोगों में स्वाभाविक रूप से मजबूत और कमजोर लोग थे। दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़िए, एक उत्कृष्ट क्षेत्र का योद्धा कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ के एक झटके का भी सामना नहीं कर सका। हालांकि उनके लिए लगभग कोई अंतर नहीं था। आम लोगों के लिए माउंट ताई और हिमालय में क्या अंतर था? उनके लिए वे अस्तित्व थे जो अप्राप्य थे। वे सभी शक्तिशाली अस्तित्व थे जो उनकी समझ से परे थे। क्या आप इसे देखते हैं? यह हमारे वान परिवार की सच्ची शक्ति है। यह हमारे वान परिवार वांग युक्सियन की सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक है, वान टोन ने गर्व से कहा। हालांकि वह एक शाखा परिवार का सदस्य था, लेकिन उसके लिए इस तरह के शक्तिशाली सेनानी को कार्रवाई में देखना दुर्लभ था। फिर भी यह बाकी लोगों की तुलना में अभी भी बेहतर था। इस समय लियू हुआन और अन्य लोगों ने वांग टोन को और भी अधिक सम्मान के साथ देखा। वांग टोन की ताकत उनकी कल्पना से कहीं परे थी। उनमें से कोई भी आसानी से अपने कुलों को नष्ट कर सकता था। यही दोनों पक्षों के बीच का अंतर था, दोनों पक्षों के बीच वास्तविक अंतर था। अमर की तरह आकाश में तैरती हुई आकृति ने उन पर अमिट छाप छोड़ी थी। आपको सावधान रहना होगा, यह दानव बहुत भयंकर हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इससे दूर रहें। अन्यथा लड़ाई के बाद का परिणाम ही आपको मिटा देगा और आप गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। इस समय वांग डोंग के चाचा ने अपना मुंह खोला और कहा, समय आने पर मैं किसी को आपका मार्गदर्शन करने के लिए भेजूंगा। आपको बस डोंगर का अनुसरण करने की आवश्यकता है। मैं गारंटी देता हूं कि कोई खतरा नहीं होगा। इस बार हमारे वान परिवार जीतने के लिए दृढ़ है, वांग टोन के चाचा ने कहा। इस समय आहकिंग, जो खालीपन में बातें कर रहा था और हंस रहा था, उसने अचानक एक आकृति को जमीन पर शांति से खड़ा देखा। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन भौहें चढ़ाती थी और थोड़ा अजीब महसूस करती थी। क्या उसने गलत देखा? नहीं तो वह यहाँ क्यों दिखाई देता? हालांकि एक और नजर डालने के बाद उसे यकीन था कि वह गलत नहीं थी। अपने साधना स्तर के साथ वह किसी और को कैसे भूल सकती है? वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन वांग युक्सियन से कह सकती थी, भाई वांग, मुझे खेद है, मुझे लगता है कि मैंने एक परिचित को देखा। मैं नीचे जाकर इसकी पुष्टि करना चाहती हूँ। वांग युक्सियन भौहें चढ़ाए और नीचे के लोगों को देखा। वे सभी वांग परिवार के शाखा परिवार के लोग थे। आहकिंग को कोई कैसे जान सकता है? हर किसी को पता होना चाहिए कि अक्विन किस तरह का व्यक्ति था। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने रॉयल कोर्ट प्रतियोगिता में शीर्ष 100 की सूची में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त की थी। युवा पीढ़ी के लिए ऐसा व्यक्ति लगभग एक किंवदंती था। हालांकि चूंकि अक्विन ने ऐसा कहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे नहीं रोकेगा। वह मदद नहीं कर सका और कहा, चूंकि वह आपका दोस्त है, वह स्वाभाविक रूप से एक असाधारण व्यक्ति है। मुझे नहीं पता कि क्या आप उसे मुझसे मिलवा सकते हैं। आहकिंग ने कुछ देर सोचा। ये जिवेन और वांग परिवार के बीच का संघर्ष सतह पर आ गया था। यह जनता की हद तक पहुंच गया था। पहले टोकन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसने वान परिवार के 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स को पूरी तरह से मार डाला था। यह कहा जा सकता है कि उसने वान परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा उसने ये जिवेन और वान परिवार के बीच कुछ अन्य शिकायतें भी सुनी थी। अगर वो वांग युक्सियन को ले आई तो यह एक शिवेन को नाराज करने के बराबर था। वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। मुझे खेद है, मुझे डर है कि मेरा दोस्त परेशान नहीं होना चाहता। इसे भूल जाओ भाई वांग, कृपया मेरे लिए यहाँ प्रतीक्षा करें। जैसा कि उसने कहा, आहक्विंग पहले ही बच निकलने वाली लाइट पर कदम रख चुका था और ये शिवेन की दिशा में चला गया था।
वांग युक्सियन के गोरा चेहरे ने तुरंत कुछ उग्र रूप दिखाया, लेकिन वह तुरंत गायब हो गया। हालांकि उनके चेहरे पर कुछ भद्दापन भी था। जब वह हाकिंग की दिशा में देख रहा था तो उसकी निगाहें काफी प्रतिकूल थीं। वह देखना चाहता था कि वास्तव में किस तरह का व्यक्ति हाकिंग को नीचा दिखा सकता है और उससे व्यक्तिगत रूप से मिल सकता है। हालांकि उसने अपने दांत पीस लिए और सीधे अनुसरण करना चुना। दूसरी तरफ वांग टोंग और उसके चाचा ने वांग युक्सियन और हाकिंग को एक के बाद एक भागने वाली रोशनी के साथ आते देखा। वे उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके, विशेष रूप से वांग टोंग के चाचा। हालांकि उन्होंने महान संत में भी प्रवेश किया था, यह स्पष्ट था कि उनके और जोंग परिवार की प्रतिभाओं के बीच गुणात्मक अंतर था। यह भी कहा जा सकता है कि वे बिल्कुल समान स्तर पर नहीं थे। वांग युक्सियन जैसे चकाचौंध करने वाले व्यक्ति के लिए उसे दूर से देखना उसके लिए पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। अब वांग युक्सियन वास्तव में व्यक्तिगत रूप से उनकी दिशा में आए। वह अचानक उत्तेजित हो उठा। हालांकि वह नहीं जानता था कि हरे कपड़ों वाली महिला कौन थी, उसने सोचा कि उसे एक साधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए क्योंकि वह वांग युक्सियन के साथ चैट और हंस सकती है। जल्द ही हाकिंग की बच निकलने वाली रोशनी पहले ही यहां आ चुकी थी। हेलो, मैं चाहता हूं कि टोनी के अंकल बस बोलने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एविंग सीधे उनके पास से गुजर गया। उनकी मुस्कान मौके पर ही जम गई। फिर अपनी विस्मित निगाहों के नीचे हाकिंग सीधे येजेवेन के सामने आया, एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाए और कहा, भाई ये हमें शाही दरबार से अलग हुए काफी समय हो गया है। भाई वांग पहले से भी अधिक सुंदर हैं। बधाई हो। ये क्षिवेन के लिए वह भी अपने दिल में आभारी थी। वास्तव में अगर ये क्षिवेन नहीं होती तो यह कहना मुश्किल था कि क्या वह इतने सारे नंबर टैग प्राप्त कर सकती थी और अंत में शीर्ष 100 में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकती थी। आखिरकार शुरुआत में 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स लगभग एक काले बादल की तरह थे जो सभी के सिर को ढंक रहे थे, जिससे लोगों को कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी। अंत में येक्षिवेन ने उन सभी को काट दिया था। इसे सभी को शांति लौटाने के रूप में माना जा सकता है। फिर मार्क्विस और रॉयल कुलों के विशेषज्ञ जो अन्य लोगों से प्रतियोगिता में असफल हो गए थे पार कर गए थे। यदि ये जिवेन सबसे आगे नहीं होती तो यह संभावना थी कि ये व्यक्तिगत काश्तकार इस हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होते। भले ही वह थी, इतने सारे लोगों से निपटना असंभव था। अंत में उसे ये जिवेन ने एक एक करके हराया और बाहर कर दिया। हालांकि एक शिवेन भी बहुत दबंग था, वह केवल एक व्यक्ति था। हरे शंख के साथ ज्यादा से ज्यादा दो ही लोग थे। दूसरों के लिए इसे एक आशीर्वाद भी माना जाता था, इसलिए यह कमोबेश ये जिवेन का आशीर्वाद था कि वह शीर्ष 100 में प्रवेश कर सकी। इस समय स्वाभाविक रूप से उसकी मुस्कान विशेष रूप से उज्ज्वल थी। ये जिवेन हाकिंग को यहाँ देखकर थोड़ा हैरान हुई। हमारे अलग होने के बाद मैंने मिस हाकिंग को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। मूल रूप से मुझे चिंता थी कि यहाँ के राक्षस बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मिस हाकिंग यहाँ है यह अनावश्यक है, ये क्षिवेन ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसने परवाह नहीं की। भाई ये ऐसा मत कहो, हाकिंग ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा। इस समय लियू हुआन और अन्य, यहाँ तक वांग डोंग और वांग डोंग के चाचा और अन्य डर गए थे। बात कर रहे दो लोगों को देखकर वे थोड़े हक्का बक्का रह गए, विशेष रूप से लियू हुआन और अन्य। हालांकि वे लंबे समय से महसूस कर चुके थे कि ये जिवेन एक अथाह बिजली घर हो सकता है, वे केवल यह समझ सकते थे कि ये जिवेन कितना अथाह था। ज्यादा से ज्यादा ये जिवेन एक साधु क्षेत्र विशेषज्ञ थे जो सत्य क्षेत्र से बहुत ऊपर थे और उनके जैसे अर्धचरण पौराणिक क्षेत्र विशेषज्ञ थे। यहाँ तक अगर वे कभी कभी यह अनुमान लगाते कि ये जिवेन एक पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ थे तो उन्होंने कभी भी इस तरह के चौंकाने वाले दृश्य की कल्पना नहीं की होगी। हालांकि कोई नहीं जानता था कि यह क्वीन कौन थी, वह व्यक्तिगत रूप से वांग कबीले के पैतृक कबीले के प्रतिभाशाली वांग युक्सियन द्वारा लाए जाने में सक्षम थी। इसके अलावा वे रास्ते भर बातें करते और हंसते रहे थे। इसके अलावा उसे सबसे अत्याचारी स्वर्ग स्तरीय विशेषज्ञों से भी ऊपर स्थान दिया गया था। उसकी पृष्ठभूमि और ताकत का अनुमान लगाना पहले से ही काफी भयावह था। हालांकि यह व्यक्ति वास्तव में हाकिंग को जानता था, उनके लिए यह बिल्कुल अकल्पनीय था। यह ऐसा था मानो एक उच्च और शक्तिशाली देवता अचानक उनके साथ प्रकट हो गए हों, विशेष रूप से लियू हुआन और अन्य। इस समय उन्हें अपनी रीढ़ के नीचे एक ठंडक महसूस हुई। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति से वे पहले भी बात कर चुके थे। वास्तव में उन्होंने इस व्यक्ति का मजाक उड़ाने के बारे में भी सोचा। वे ठंडे पसीने से तरबतर हुए बिना नहीं रह सके। अगर ये क्षिवन उन पर क्रोधित होती तो क्या वे अब भी जीवित रह पाते? इस बारे में सोचते हुए भले ही वे अज्ञानी थे, इस समय ऐसा लग रहा था कि वे येजिवेन की असामान्य पहचान का अनुमान लगा सकते हैं। यह कहने की बात नहीं है कि वे अज्ञानी लुटेरे नहीं थे। इस समय वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ा चक्कर महसूस कर रहे थे। उनकी तुलना में वांग टोंग ही सबसे ज्यादा हैरान थे। हालांकि वे चौंक गए थे, फिर भी वे नहीं समझ पाए कि वांग वंश कितना शक्तिशाली और भयानक था।
हालांकि वह जानता था कि कै देश का सिर्फ एक शाखा परिवार ही काई देश में अन्य सभी बलों को मजबूत करने के लिए पर्याप्त था। पूरे प्राचीन बैलेंस महाद्वीप पर शासन करने वाले जोंग कबीले का उल्लेख नहीं करना। वह सच्चा राक्षसी जानवर था, एक क्रूर जानवर। वांग युक्सियन निस्संदेह सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं में से एक थे। कम से कम उनकी राय में वह पहले से ही एक सर्वोच्च प्रतिभा थे। उसकी उम्र में वे अभी भी लेजेंडरी सेज दायरे में हो सकते हैं, लेकिन वांग युक्सियन पहले से ही स्वर्ग के दायरे में थे। उन्होंने इस परम विशेषज्ञ के बारे में केवल सुना था, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। इसके अलावा वांग युक्सियन इस व्यक्ति के साथ एक विशिष्ट अतिथि के रूप में पेश आ रहे थे और वास्तव में ये जिवेन से परिचित थे। इस समय वही एक शिवेन की पहचान के बारे में अधिक अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं सकता था। वह इन अद्वितीय प्रतिभाओं के गौरव के बारे में बहुत स्पष्ट थे। अगर वे एक ही स्तर पर नहीं होते तो एक दूसरे से बात करने और हंसने की तो बात ही छोड़ दे, तो उन्हें कोई झिझक नहीं होगी। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने दिल में घबराहट महसूस कर रहा था। पहले वो एक शिवेन के खिलाफ साजिश रचने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इस समय उसे अचानक थोड़ा हास्यास्पद लगा। अगर ये जिवेन वास्तव में सिर्फ एक साधारण व्यक्ति होता तो वह उसके खिलाफ साजिश कर सकता था, लेकिन अगर ये जिवेन की पहचान बिल्कुल उतनी सरल नहीं थी जितना उसने अनुमान लगाया था, तो क्या उसे ऐसा नहीं लगेगा कि वह मौत को दावत दे रहा है? अचानक उसे लगा जैसे वह एक ऊंचे पहाड़ को देख रहा है। मिस आकिंग, क्या यह वही पुराना दोस्त है जिसके बारे में आप बात कर रही थी? क्या आप उसे मुझसे नहीं मिलवा सकती? अचानक वांग युक्सियन की आवाज गूंजी। उनका फिगर दोनों के सामने आ गया। इस समय आकिंग की बहें तनी थी। हालांकि वह इस समय वांग युक्सियन के साथ नहीं रह सकती थी। वह यह कहने से खुद को रोक नहीं सकी, भाई यह वांग कबीले के प्रतिभाशाली युवा भाई हैं, भाई वांग युक्सियन। आपसे मिलना सम्मान की बात है, ये शिवेन ने अपने हाथ जोड़कर कहा। आकिंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो देख सकती थी कि एक शिवेन लापरवाह हो रही थी। वास्तव में वह बहुत लापरवाह हो रहा था। हालांकि वांग युक्सियन को नहीं पता था कि एक शिवेन उसकी प्रसिद्धि को देखते हुए उसके बारे में जानती थी। हालांकि वांग युक्सियन ये जीवन से और भी ज्यादा असंतुष्ट थे जब उन्होंने ये जीवन को लापरवाही से अपने हाथों को अपनी छाती के सामने कपते हुए देखा। हालांकि उन्होंने कहा कि उनसे मिलना सम्मान की बात है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। क्या यह वास्तविक सम्मान था? आकिंग ने ये जीवन को देखा और संकोच किए बिना नहीं रह सका। उसे नहीं पता था कि एक शिवेन का परिचय कैसे कराए। ये जिवेन और वांग कबीले के बीच की दुश्मनी सभी को पहले से ही पता थी। उस समय ये जिवेन की पहचान अनिवार्य रूप से उजागर होगी। वास्तव में ये शिवेन को खतरे का सामना भी करना पड़ सकता है, और आकिंग का इरादा यह नहीं था। ये जिवेन ने भी आकिंग की दुविधा को देखा। इसके अलावा वह घिरे होने से बचने के लिए अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने हाथों को थपथपाया और कहा, मेरा उपनाम ये है। मेरा नीच नाम उल्लेख करने योग्य नहीं है। वांग युक्सियन की भौहें गहरी हो गईं। ये उपनाम वाला यह लड़का वास्तव में अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहता था। यहाँ तक उसके सामने प्रतिष्ठित वांग युक्सियन, वह अभी भी चाले चलाने की हिम्मत रखता था। यह आदमी अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह और आकिंग दोस्त थे, तो उसने पहले ही उस पर हमला कर दिया होता। उसके सामने कठोर अभिनय करना मृत्यु को प्रणाम करने के समान था। कोई बात नहीं, चूंकि तुम मिस आकिंग की दोस्त हो तो तुम मेरी दोस्त हो। वांग युक्सियन ने आकिंग को अपनी ओर देखते हुए देखा। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी भौहों को खोल दिया, फिर जबरदस्ती मुस्कान बिखेरते हुए बोले, वह इस लड़के की पहचान के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका जिसका उपनाम ये है। भाई ये आपको यहाँ पाकर बहुत अच्छा लगा। मेरा मानना कि राक्षसी क्षमता होने पर भी शैतान स्थिति को उलट नहीं पाएगा। आकिंग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हालांकि उसे खुद पर पूरा भरोसा था, लेकिन अगर ये सिवेन यहाँ होती तो निस्संदेह सुरक्षित होती। वांग युक्सियन अचानक असंतुष्ट हो गए। इस बार यह हमारा वान परिवार है जो इस शैतान को घेर लेगा। इसके अलावा मैं मुख्य शक्ति हूँ। इस आदमी का यहाँ होना कितना अच्छा है, क्या तमाशा चल रहा है? वह अचानक असंतुष्ट हो गया। वो ये शिवेन से बहुत असंतुष्ट था, अब वह और भी असंतुष्ट था। हालांकि ये शिवेन ने वांग युक्सियन के असंतोष को महसूस किया, लेकिन उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। नहीं, आप और भाई वांग इस शैतान से निपटने के लिए पर्याप्त होंगे। क्या मेरा जाना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा? ये जिवेन ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा। वांग युक्सियन ने पक्ष की बात सुनी। पहले तो वह थोड़ा सहज महसूस किया, आखिर वह जानता था कि कौन ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जल्द ही उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की, यह सही नहीं लगता। इसका क्या मतलब है कि आप दोनों इस शैतान से निपटने के लिए काफी हैं? दूसरे शब्दों में, चिकन को मारने के लिए कसाई के चाकू का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वांग युक्सियन को अचानक कुछ एहसास हुआ और उनका चेहरा और भी उदास हो गया।
वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन पूछता था, ऐसा लगता है कि भाई ये भी काफी आश्वस्त हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि भाई ये किस संप्रदाय के स्वामी हैं? उसने यक्षिवेन को और भी अमित्र भाव से देखा। मुझे खेद है, संप्रदाय का एक नियम है, मेरे लिए इसे प्रकट करना सुविधाजनक नहीं है, यक्षिवेन कहने से खुद को रोक नहीं सकी। तो आप हमें मुंह नहीं दिखा रहे हैं? मुझे यह मत बताओ कि हमारे पास आपके संप्रदाय को जानने की योग्यता भी नहीं है। वांग यूसिंग मदद नहीं कर सका लेकिन गुस्से में कहा, हालांकि वह थोड़ा अनुचित था लेकिन इस दुनिया में सभी संप्रदायों के अंगिनत दुश्मन थे और अपने शिष्यों की रक्षा के लिए कई संप्रदायों ने ऐसा नियम स्थापित किया था, इसलिए यह था आश्चर्य की बात नहीं। आमतौर पर वांग यूसिंग ज्यादा नहीं पूछता लेकिन इस समय यक्षिवेन ने उसे वास्तव में क्रोधित कर दिया था। बेशक आम लोग वैंग परिवार के गौरवशाली बेटे से पूछताछ करने के योग्य नहीं थे। भाई वांग, यह उबाव है, यक्षिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा। इस समय लियू हुआन और अन्य पूरी तरह से स्तब्ध थे। उन्होंने यक्षिवेन को देखा जो रास्ते में उनसे दोस्ताना तरीके से बात कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने वांग यक्षिवेन का विरोध करने का साहस किया जो उनके दिलों में एक भगवान की तरह थे। इसके अलावा वह एक नुकसान में नहीं लग रहा था, उनके लिए यह बस एक चमत्कार था। दूसरे शब्दों में वे ऐसे तथ्य पर विश्वास ही नहीं करना चाहते थे। यदि यक्षिवेन शुरुआत में उनके दिलों में सिर्फ एक रहस्यमय और अथाह विशेषज्ञ थे तो उन्हें अचानक पता चला कि यह विशेषज्ञ हास्यास्पद रूप से ऊंचा था। वास्तव में वह केवल एक मिथक और किंवदंती थे। इस समय युआन रुओमेंग ने यक्षिवेन को उत्साह के साथ देखा। उसके पिता की चोटें लंबे समय से खींच रही थीं। भले ही उन्होंने कई प्रसिद्ध डॉक्टरों को आमंत्रित किया था लेकिन उन सभी ने व्यक्त किया था कि वे कुछ भी करने में असमर्थ हैं। कई चिकित्सक भी देखने आए थे लेकिन वे सभी बेकार थे। उनकी चोटें बहुत गंभीर थीं और उन्होंने पहले ही सारी उम्मीद छोड़ दी थी। वह केवल उस डैन फॉर्मूले के अनुसार हेवनली फॉल्ट ग्रास को खोजना चाहता था। शायद अब भी उम्मीद थी लेकिन किसने सोचा होगा कि वह इतने पूर्ण गुरु से मिलेंगे। दूसरे लोग यक्षिवेन के आत्मविश्वास से हैरान थे लेकिन वो सबसे ज्यादा खुश थी। यक्षिवेन की छिपी ताकत जितनी मजबूत थी उतनी ही अधिक संभावना थी कि वह उसके पिता की बीमारी को ठीक कर सकता था। इस समय वह कैसे खुश नहीं रह सकती थी? यह उबाव है, इसमें इतना दिलचस्प क्या है? वांग यक्षिवेन ने उसे देखा। इस समय चूंकि वे पहले ही गिर चुके थे उसने किसी और चीज की परवाह नहीं की। उसने यक्षिवेन की ओर ठंडेपन से देखा और कहा, क्या तुम्हारे लिए किसी संप्रदाय को रिपोर्ट करना इतना मुश्किल है? आप मेरे संप्रदाय को नहीं जानते, यह आपके अपने भले के लिए है। यक्षिवेन के चेहरे के भाव भी यह कहते हुए ठंडे पड़ गए। मेरे भले के लिए? वांग यक्षिवेन हंसे बिना नहीं रह सके। अहंकारी, इस व्यक्ति ने वास्तव में उसके सामने इतना अहंकारी होने का साहस किया। उसके अहंकार की कोई सीमा न थी। अपने संप्रदाय को नहीं बताना वास्तव में अपने भले के लिए था। उन्होंने अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें कही थीं। मैं देखना चाहता हूं कि यह मेरे अपने भले के लिए कितना अच्छा है। वांग यक्षिवेन ने ठंडी सांस ली। उसके शरीर से भयानक आभा निकल पड़ी। स्वर्ग के दायरे के छठे स्तर के शिखर से संबंधित एक शक्तिशाली आभा एक पल में बह गई। हालांकि यक्षिवेन ने उसका नाम नहीं सुना था लेकिन वह वास्तव में अज्ञानी और अनुभवहीन था। आखिरकार प्राचीन उजाड़ में उनका समय बहुत सीमित था। जो लोग उसकी समझदार आंखों में प्रवेश कर सकते थे वे निस्संदेह हिडन ड्रैगन लिस्ट थे। जो लोग बढ़ते ड्रैगन सूची में थे लगभग कोई भी उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। हालांकि कई युवा विशेषज्ञ भी थे जो बहुत हीन नहीं थे लेकिन फिर भी हिडन ड्रैगन लिस्ट या सोरिंग ड्रैगन लिस्ट में नहीं जा सके। वांग यक्षिवेन इतनी कम उम्र में स्वर्ग के दायरे के छठे स्तर के शिखर में प्रवेश करने में सक्षम थे। वह वास्तव में स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञ की उपाधि के योग्य था। वह शायद उन लोगों में से एक थे जिन्होंने शीर्ष 100 की सूची के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। शीर्ष 100 की सूची में केवल कुछ 100 नाम थे। हालांकि इस दुनिया में करोड़ों प्रतिभाएं थीं। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह किनको जानता था। टकराना टकराना टकराना, दुर्घटनाग्रस्त ध्वनियों की एक श्रृंखला बाहर निकली। इस भयानक शक्ति के तहत आसपास के सभी ऋषि लोक और महान ऋषि क्षेत्र के विशेषज्ञ घुटने टेक दिए। जमीन फट गई जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। यहाँ तक ये संत क्षेत्र और महान संत क्षेत्र विशेषज्ञ भी ऐसी स्थिति में थे, अकेले लियू हुआन, युआन रुओमेंग और अन्य लोगों को छोड़ दें। लगभग एक ही पल में वे कांपते हुए पूरी तरह से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। यह ऐसा था जैसे उन्हें किसी देवता का प्रकोप महसूस हुआ हो। वे लगभग मौत से डर गए थे। उनके शरीर एक भयानक शक्ति द्वारा जमीन पर दबा दिए गए थे, हिलने डुलने में असमर्थ थे। इस समय वे वास्तव में समझ गए थे कि वैंग पैतृक परिवार की यह प्रतिभा कितनी भयानक थी। न केवल वह एक देवता की तरह दिखता था बल्कि जब वह वास्तव में क्रोधित था तो वह एक वास्तविक भगवान की तरह था जो क्रोधित था। यह बेहद भयानक था। जब उन्होंने यक्षिवेन को देखा तो उन्होंने अनिच्छा से उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया।
अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे वे बेहद सदमे में आ गए। ये जीवन मुख्य अपराधी ने दबाव का खामियाजा भुगता और अधिकांश दबाव झेला। हालांकि यह केवल ये जीवन के कपड़ों को हवा में लहरा सकता था, वह अब भी सीधा खड़ा था। उसके नीचे दबाए जाने और घुटने टेकने का कोई संकेत नहीं था। ये शिवेन की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। वैंग टोंग और उसके चाचा ने उसके खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की क्योंकि वे उसके लिए कोई खतरा पैदा करने के लिए बहुत कमजोर थे। हालांकि वांग युक्सियन उस पर हमला करना चाहते थे, इसलिए वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसने जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी, पर्याप्त, पर्याप्त। हालांकि अहकिंग ने अचानक सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपना मुंह खोला जब एक शिवेन कार्रवाई करने वाली थी। वह जोर से चिल्लाया और प्रभावशाली आभा जिसने पूरे आकाश को घेर लिया था अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई। तुम दोनों, यह काफी है, अहकिंग चिल्लाया, क्या हम यहाँ आपस में लड़ने आए हैं? क्या हम उन शैतानों के सामने खुद को बेवकूफ बनाना चाहते हैं? हम्फ, वैंग युक्सियन ने ठंडी सांस ली। फिर उसने ये जीवन की ओर देखा और कहा, उस मामले में मैं मिस अहकिंग को अपना चेहरा दिखाऊंगा। बेहतर होगा कि आप मेरे सामने पेश न हो, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वांग युक्सियन ने अपने चेहरे को बनाए रखने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वह पहले ही अहकिंग से अलग हो चुका था। उसके बाद वांग युक्सियन उड़ गए और चिल्लाए, सब लोग तैयार हो जाओ, हम इस शैतान को भागने नहीं दे सकते, बिना दया के इसे मार डालो। वांग युक्सियन जानलेवा इरादे से भरा था। उन्होंने वांग परिवार के विशेषज्ञों का नेतृत्व किया और पर्वत श्रृंखला की गहराई में पहुंचे। मुझे खेद है भाई, ये शेष शैतान कबीले को मारने के बाद पुराने दिनों के बारे में बात करते हैं। यह कहने के बाद अहकिंग सीधे पहाड़ पर चढ़ गया। उन्होंने निर्णायक और जल्दबाजी में काम किया। इस समय ये जीवेन सीधे उस जगह पर लौट आई जहां लियु हुआन और अन्य लोग थे। इस समय वे भारी दबाव से उभरे ही थे। इस समय वे अभी भी अविश्वास की स्थिति में थे। ये जोंग कबीले के शीर्ष विशेषज्ञ थे। हालांकि वे एक ही दुनिया में रहते थे, ऐसा लगता था जैसे वे दो पूरी तरह से अलग दुनिया में थे। वे समान स्तर के भी नहीं लग रहे थे। इस समय ये शिवेन एक पल पहले से पूरी तरह से अलग थी। फिर चलो पहाड़ में चलते हैं, ये जीवेन ने कहा जब उन्होंने देखा कि वे बोलते नहीं हैं। हाँ, सभी ने सिर हिलाया। हालांकि जब वे पहली बार आए थे तो उनका मिजाज बिल्कुल अलग था। पहाड़ में प्रवेश करने वाले वान परिवार के विशेषज्ञों की बड़ी संख्या के कारण हुए सदमे के कारण कई राक्षस जानवरों ने पागल होकर भागना शुरू कर दिया था। रास्ते में उन्हें कई राक्षसी जानवरों का सामना करना पड़ा जिन्होंने अपनी तर्कसंगतता खो दी थी। उनमें कई ऋषि और महान ऋषि क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे। मूल रूप से वांग टोंग ये जीवेन के खिलाफ साजिश रचने के लिए राक्षसी जानवरों का उपयोग करना चाहता था। हालांकि उनके पास अब यह विचार नहीं था। क्या मजाक, यह एक ऐसा व्यक्ति था जो वांग परिवार, वांग युक्सियन की प्रतिभा के खिलाफ लड़ सकता था, वे उनके विरोधी कैसे हो सकते हैं? हालांकि वह नहीं जानता था कि उसके कार्यों ने उसकी जान बचाई थी। अगर उसने ये शिवेन से मदद मांगी होती तो ये शिवेन की ताकत उससे निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक होती। सभी का लक्ष्य वांग परिवार से अलग था। वान परिवार का लक्ष्य पर्वत श्रृंखला की गहराई में शैतानों को घेरना और उनका सफाया करना था। हालांकि ये जीवेन और उनका समूह हेवनली फॉल्ट घास खोजने के लिए यहाँ आए थे। ये शिवेन जल्दी में नहीं थी। उसने पहाड़ों तक सभी का पीछा किया। बूम बूम बूम, जल्द ही पर्वत श्रृंखला से उन्मादी गर्जना की एक श्रृंखला आई जिसके बाद युद्ध की आवाजें सुनाई दी। दानव आज्ञाकारी मरो, फिर अनगिनत राक्षसी आभा आकाश में उड़ गईं और शून्य में भयंकर टकराते हुए अनगिनत आध्यात्मिक आभाओं को बहा ले गईं। कितना भयानक, जब हवा में भयानक टक्कर देखी तो लियु हुआन का चेहरा पीला पड़ गया। इस तरह की लड़ाई उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। यहां तक लड़ाई के झटके भी उन्हें आसानी से मार सकते थे। गर्जन गर्जन गर्जन, अल्पविराम, अचानक जंगल से तेज जानवरों की दहाड़ की एक श्रृंखला आई। अरे नहीं, यह एक जानवर का ज्वार है, भीड़ में शामिल वांग टोंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। फिर सैकड़ों विभिन्न प्रकार के राक्षसी जानवर सबके सामने प्रकट हुए। दोनों पक्षों की लड़ाई से वे भयभीत हो गए और अचानक पहाड़ से नीचे उतरने लगे। यह नजारा देख सभी के चेहरे बदल गए। राक्षसी जानवरों के साथ एक पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना सबसे डरावनी बात इस तरह से एक जंगली ज्वार का सामना करना था। एक बार लक्षित, यह एक मृत अंत होगा। इस समय ये जीवेन ने आखिरकार अपनी चाल चल दी। एक तलवार की आभा शून्य में बड़ी और बड़ी होती गई, उसके बाद एक निर्दयी स्लैश। टकराना टकराना टकराना, ये राक्षसी जानवर खून की धुंध के ढेर में गिर गए और हवा में फट गए। केवल एक चाल के साथ जानवरों की भीड़ जिसने सभी के हाव भाव बदल दिए, वे सभी मौके पर ही मारे गए। सभी ने राहत की सांस ली। जिस बीस्ट टाइप को वे बेहद खतरनाक मानते थे, वह उनके सामने कुछ भी नहीं था।
इस जंगली ज्वार से निपटने के बाद सभी लोग पहाड़ों की ओर आगे बढ़ते रहे। पिछले पशु ज्वार के कारण पहाड़ों में राक्षसी जानवर एक पल में साफ हो गए थे, इसलिए सभी की यात्रा बहुत सुगम थी। जल्द ही उन्होंने पिछली जानकारी के अनुसार हेवनली फॉल्ट ग्रास पाया। हेवनली फॉल्ट ग्रास को खोजने के बाद हर कोई जाने ही वाला था कि तभी उन्हें एक तेज गर्जना सुनाई दी। एक विशाल सिर आसमान से गिरा और सीधे जमीन में एक बड़ा छेद कर दिया। फिर एक आकृति आसमान से गिरी और एक भयानक आभा तुरंत एक शिवेन पर छा गई। सभी की निगाहें इस विशाल सिर पर टिकी थी और यह एक महान दानव कबीले का प्रमुख निकला। और वह आंकड़ा कोई और नहीं बल्कि वांग युक्सियन था। वांग युक्सियन, इसका क्या मतलब है? तू जिवेन ने आगे बढ़कर कहा। ये जिवेन, वांग युक्सियन ने उपहास किया और कहा, मैंने आपसे ये जिवेन होने की उम्मीद नहीं की थी। क्या आप जानते हैं कि हमारे वांग परिवार के पास आप पर कितना इनाम है? आप कैसे जानते हो? ये जिवेन ने पूछा। मैं तुम्हारे चेहरे से बहुत परिचित हूँ और अपनी याददाश्त से मैं गलत कैसे याद कर सकता हूँ। मैंने किसी को जांच के लिए भेजा था और मुझे बड़ी मछली मिलने की उम्मीद नहीं थी, वांग युक्सियन ने ठंडेपन से कहा और उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। मैं आपके वांग परिवार को दानव से छुटकारा दिलाने में मदद करने आया था और आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ये जिवेन ने ठंडेपन से कहा। मेरे वांग परिवार को दानव से छुटकारा दिलाने में मदद करें, क्या मजाक है? आपको पता होना चाहिए कि हमारा वांग परिवार किस तरह का परिवार है, हमें आपको कुछ करने की आवश्यकता क्यों होगी? वांग युक्सियन ने जारी रखा, आपने हमारे वांग परिवार के कई विशेषज्ञों को मार डाला है और यहाँ तक तेरा आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी भी आपके हाथों में गिर गई। तुमने एक जघन्य अपराध किया है और चूंकि तुम सीधे जाल में फंस गए हो तो यह मत सोचो कि तुम छोड़ सकते हो जाल में सही चलना और तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो, ये जिवेन ने हल्के से कहा, लेकिन अपने दिल में उसने अपनी पहचान की उम्मीद नहीं की थी। यह अच्छा नहीं था, यह वान परिवार का क्षेत्र था और जैसे जैसे समय बीतता गया वान परिवार के अधिक से अधिक विशेषज्ञ दिखाई देंगे और यह दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी सचेत कर सकता है। उस समय वह वास्तव में बच नहीं सका। बेशक यह सिर्फ मैं नहीं हूँ, सुरक्षित रहने के लिए मैंने पहले ही किसी को आने के लिए भेज दिया है, मुझे बस आपको थोड़ी देर के लिए देरी करने की जरूरत है और आप मर चुके हैं, वांग युक्सियन ने उपहास किया और कहा, हमारे वांग परिवार के क्षेत्र में हर जगह हमारे संचरण सरणी है, बचने के बारे में भी मत सोचो, जब तक मैं तुम्हें मार सकता हूँ मैं एक महान योगदान दूंगा और समय आने पर मुझे स्वाभाविक रूप से कुछ लाभ मिलेगा। यह अफसोस की बात है कि आपने सबसे बड़ी गलती की, यानी आप पहले से दिखाई दिए, अगर आप थोड़ी देर बाद दिखाई देते तो शायद मैं वास्तव में आपके जाल में गिर जाता, लेकिन अब आपकी योजना व्यर्थ है, ये जिवेन ने वांग युक्सियन को देखा और कहा। वास्तव में ये जिवेन, बहुत अहंकारी मत बनो, भले ही तुमने 10वीं दुनिया की चैंपियनशिप जीत ली हो, अगर यह मेरे लिए नहीं जा रहा था तो तुम कुछ भी नहीं हो, वांग युक्सियन ने जोर से दहाड़ लगाए। उसके हाथ में एक तलवार की रोशनी दिखाई दी और एक पल में उसने उसे एक शिवेन की ओर फेंक दिया। हो परिवार और वांग परिवार के कई शीर्ष विशेषज्ञों की तरह वांग युक्सियन ने भी महसूस किया कि ये जिवेन ने 10वीं दुनिया की चैंपियनशिप पूरी तरह भाग्य से जीती थी। दूसरे शब्दों में 10वीं दुनिया की चैंपियनशिप 10 दुनियाओं में सबसे बेकार की थी और बहुत से लोग ये जिवेन की ताकत के बारे में बहुत आश्वस्त नहीं थे। अगर ये जिवेन सिर्फ एक साधारण दुष्ट कल्टीवेटर होता तो शायद उनके पास कोई विचार नहीं होता। अधिकांश घमंडी और अहंकारी लोगों के पास रैंकिंग के लिए एक दुष्ट कल्टीवेटर के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मन नहीं हो सकता है। हालांकि ये जिवेन भी मार्किस कबीले से थे, इसने कई लोगों को आंख से अप्रिय महसूस कराया। तलवार की रोशनी ने सीधे विशाल आकाश को चीर दिया, एक हिंसक झटका, शून्य बिखर गया और लहरदार तलवार क्यूई ने सीधे युआन रुओमेंग और अन्य को स्थिर रूप से खड़े होने में असमर्थ बना दिया और विरोध करने के लिए केवल अपने सभी जैन युआन का उपयोग कर सके। सौभाग्य से वे केवल क्यूई तलवार के परिणाम से पीड़ित थे, अन्यथा वे मौके पर ही विस्फोट कर सकते थे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ अकेले आना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम मेरी जान लेना चाहते हो लेकिन तुम मुझे हेय दृष्टि से देखते हो, फिर तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये जिवेन ने उपहास किया, अचानक जमीन पर कदम रखा और एक पल में उसकी आकृति बाहर निकल आई, सीधे तलवार क्यूई का सामना कर रही थी। उसका बड़ा हाथ सीधे उसके हाथ में पूरी तलवार क्यूई को पकड़ रहा था। दरार दरार दरार, पूरी तलवार क्यूई जैसे कि वह कांच की बनी हो इंच दर इंच बिखर गई और फिर अचानक फट गई। यह कैसे संभव है? आप आकाशीय क्षेत्र के सिर्फ एक पांचवें आकाश हैं, वांग युक्सियन ने अविश्वास में देखा, क्योंकि उनकी अपनी तलवार क्यूई को ये जिवेन की हथेली से कुचल दिया गया था। हालांकि ये शिवेन का आंकड़ा नहीं रुका, उसकी आकृति एक पल में चमकती हुई सुनहरी बिजली में बदल गई। वांग युक्सियन की दृष्टि धुंधली हो गई और ये जिवेन पहले ही उसके सामने आ गई। उसके हाथ में तलवार की रोशनी चमक उठी और खून का एक फूल खंभे की तरह फूट पड़ा। 2 साल पहले तुम पहले से ही मेरे विरोधी नहीं थे,
येजिवेन की ठंडी और निष्ठुर आवाज उसके कानों में पड़ी। वांग युक्सियन को मारने के बाद येजिवेन घूमा, वाहन की रोशनी पर उतरा और युआन रुओमेंग से कहा, ऐसा लगता है कि मैं आपको अपने पिता को देखने में मदद नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक औषधीय गोली है। जब तक यह कोई अजीब बीमारी नहीं है और यह सिर्फ एक गंभीर चोट है, आपके पिता के दायरे में, भले ही उनका आधा पैर पाताल में हो, फिर भी उन्हें बचाया जा सकता है। जैसे ही येजिवेन ने कहा, उसने एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली जिसमें एक औषधीय गोली थी। इन औषधीय गोलियों की औषधीय प्रभावकारिता येजिवेन के लिए सामान्य थी, लेकिन एक उत्कृष्ट क्षेत्र के योद्धा के लिए इसकी औषधीय प्रभावकारिता बेहद मजबूत थी। धन्यवाद श्रीमान, धन्यवाद, युआन रुओमेंग ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। सुखद आश्चर्य हुआ। जब वह फिर से होश में आई तो येजिवेन की आकृति आकाश में कहीं नहीं दिखी। इस समय येजिवेन पहले से ही ये परिवार की ओर दौड़ रही थी।